हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके, हम स्टार्ट करने से पहले आज के वेबिनार में हम क्या कवर करने वाले और आपको क्या जानना है? अगर किसी को आज का जो भी हम 1 घंटे के लिए कनेक्ट हो रहे हैं, सपोज दैट, इसमें आपको मार्केट के बारे में कौन सी चीज़ पता करनी है, आप क्या जानना चाहते हो, अगर आप कुछ बताना चाहते हो, आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो 2 मिनट में। किसी को कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे सर मुझे इंट्राडे काम करना है, या तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगा वो आप चार्ट बॉक्स में लिख के भेज दो, या तो डायरेक्टली माइक पे बात करना है तो बात कर सकते हो। जो भी आपको बात करना चाहिए आप बात कर सकते हो, मैसेज भेजना है तो मैसेज भेज सकते हो। हाउ टू सिलेक्ट राइट शेयर्स, ओके। स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात करें, जरूर सर, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, हम करेंगे। और कुछ? हाउ टू चेक फंडामेंटल एंड टेक्निकल, जरूर जरूर जरूर। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना वो भी देंगे। हाउ टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, ओके, जरूर। वो से स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात आ जाएगी इसमें सब कुछ, कि कौन से कंपनी में करना है, क्या करना है, किस सबसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो चीज़ आ जाएगा, ये कवर करेंगे हम। ट्रेडिंग कैसे करें पोजिशनल में, ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करें, आई थिंक जिग्नेश सर का, जिग्नेश परमार सर का ये बात होगी। हाउ टू सेट अप चार्ट फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट पे सेटिंग कैसे करना है, या तो जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो। जया मैम, जरूर जरूर। और कुछ? ये पॉइंट जरूर मैं कवर करूँगा आगे, जो भी आप मेंशन करे हो। सर इंट्राडे साठी कोणतं सॉफ्टवेअर यूज करायचं आहे, ओके, इंट्राडे के लिए क्या यूज करना चाहिए, ये आप पूछ रहे हैं अमर सर, जरूर जरूर मैं उसमें कवर कर लूंगा। ये इंट्राडे कैसे काम करना है, क्या करना है, इंट्राडे के लिए क्या चीज करनी चाहिए, जरूर हम कवर करेंगे। ओके, जरूर। एंट्री कैसे करना है और एग्जिट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये कैसे हो सकता है ये जरूर बताएंगे सर आज हम। जगदीश पटेल करके पूछ रहे सर, जरा माइक का देख लो, आशीष सर इनको मैसेज डाल दो जगदीश सर को। और नेक्स्ट, और कुछ ऐड करना है किसी को डायरेक्टली? कहीं आपको अगर माइक अनम्यूट करके बात करनी होगी तो आप बात कर सकते हो, आपको नाम बोलना है और जो भी क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल्स चाहिए, जरूर जरूर। बैंक निफ्टी में कैसे कैलकुलेशन हो सकता है, कैसे काम करना है, ये आपको जानना है, जरूर वो भी कर लेंगे। रेशमिस, और नेक्स्ट, अल्गो ट्रेडिंग बेस्ट है कि मैनुअल ट्रेडिंग बेस्ट है? देखो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि अल्गो ट्रेडिंग में काम करेंगे। देखो कोई सॉफ्टवेयर अगर मतलब इससे अगर पैसा बन जाएगा तो हर बंदा मतलब मार्केट खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली इमोशंस ऑलवेज मार्केट में रहेंगे, आप कितना भी कोई भी अल्गो को बना लो सपोज दैट, तो मैनुअल ट्रेडिंग ऑलवेज बेस्ट रहेगा, करते आना चाहिए, ओके। अल्गो ट्रेडिंग क्यों कर रहे लोग कि भाई 2-5 रुपए का एक जो प्राइस का डिफरेंस मार्केट में चलता रहता है तो तुरंत बाय करेंगे तुरंत बेचेंगे, ये सब कुछ जो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर पैसा बहुत अच्छे से पैसा बनाना चाहता है तो आपको मैनुअल ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। हाँ, लोगों का हेल्प ले सकते हैं, कुछ चीज़ें में उसका हेल्प भी आता है, टेक्नोलॉजी का उसका यूज़ भी होता है, लेकिन कई कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ आपका पैसा लगा देगा और सॉफ्टवेयर पैसा कमाएगा ये चीज़ नहीं हो सकती, उसको भी हमें ही ऑपरेट करना होता है। मतलब थोड़ा सा हमें सेमी मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक में जाना पड़ेगा, दोनों पूरा पूरा मैनुअल भी नहीं कर सकते और पूरा अलगो भी इसमें भी नहीं जा सकते, थोड़ा बीच का रास्ता लेंगे तो अच्छा रहेगा काम करने के लिए, कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। हुज कंट्रोल अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम इट, ओके। अपर सर्किट लोअर सर्किट को कोई कंट्रोल नहीं करता है एक्चुअली। अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है कि जब सपोज मार्केट में एक बार होती है सपोज दैट कि कोई
कोई भी स्टॉक अगर 10% से बढ़ गया सपोज दैट, तो उसमें सर्किट लगता है, या तो गिरा तो सर्किट लगता है। मतलब इनका क्या कहना है, नॉर्मली एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है उनका क्या कहना है कि कोई भी कंपनी में इतना नहीं होना चाहिए फ्लक्चुएशन कि एक ही दिन में 50% गिर गया सपोज दैट, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर 10% बढ़ा या तो 10% गिरा तो उसका ट्रेडिंग स्टॉप किया जाता है। इसी को बोलते हैं कि सर्किट लगा, कि मतलब 10% बढ़ गया अभी सर्किट लगा हुआ है 15-20 मिनट के लिए, मार्केट थोड़ा सा ट्रेड कम करेंगे, मतलब होल्ड करेगा, ट्रेडिंग स्टॉप होगी और उसके बाद वापस रिज्यूम होता है। तो क्या होता है कि सपोज अगर बड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है कि लोगों को लगता है कि अभी बहुत बढ़ गया है तो सर्किट ओपन होने के बाद वापस मार्केट गिरता है। ये जनरलाइज रूल है लेकिन हर बार ऐसा ही होगा ऐसा भी नहीं होता है। 10% बढ़ने के बाद वापस सर्किट ओपन हुआ तो वापस अगला सर्किट भी लगता है। तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे कैसे क्या होता है। तो सर्किट जो लगता है उससे बेनिफिट जरूर ले सकते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर दिन की उसमें क्या न्यूज़ है जो भी चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करके वो चीज़ करना होता है। तो सर्किट एक्चुअली कोई कंट्रोल नहीं करता है। बात ये कि सब लोगों ने बाइंग कर दिया तो ज़्यादा मार्केट अगर कम टाइम में बढ़ जाता है, मतलब एक ही दिन में 10% से ज़्यादा बढ़ गया सपोज तुरंत, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड किया जाता है कि कुछ रॉन्ग काम करके तो नहीं मार्केट में ऊपर है तो मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो चेक करते 15-20 मिनट के बाद वापस ट्रेडिंग रिज्यूम करते और वो प्रोसेस चलता है। सर बाय कंडक्टिंग सर सेशन लाइक टुडे इट्स बिग हेल्प टू योर सब्सक्राइबर, थैंक्स सर। ओके थैंक यू सो मच सर उदय सर। इंट्राडे की बेसिक पासून माहिती, ओके इंट्राडे का बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जरूर जरूर, वो भी कवर करेंगे, इंट्राडे का बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेंगे। बेसिक पर्सन इन्फॉर्मेशन दिया तुषार सर, पूछ रहे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगली जिसको ABCD स्टॉक मार्केट का पता नहीं है वहाँ से हम लेके जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है। नागेश सर बोल रहे कि प्लीज़ शेयर योर नंबर टू सेंड मी, ओके आई थिंक सो आपको मेरा नंबर रहेगा या तो जब पूरा कंप्लीट होगा तो मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लगभग 1-2-5 मिनट मैंने आपसे क्वेश्चन ले लिया, आप क्या जानना चाहते हो वो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी उसमें आ चुका है, तो वो पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी अपना प्रेजेंटेशन है, देखो अभी ये सेशन कैसे रन होगा ये मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि पहले 40-50 मिनट मुझे पूरा प्रेजेंटेशन करने के लिए लग जाएगा, जो हमें अपना सिस्टम क्या है, किस हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हैं, क्या करना है वो चीज़ हम बता देंगे। और उसके बाद 40-50 मिनट होने के बाद वापस आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में जो मैंने बताया उसमें कुछ डाउट रहेगा या तो उसके अलावा और कुछ आपको क्वेश्चन रहेगा तो आप उसके बाद पूछ सकते हो। तो वापस आपके लिए आधा घंटा मैंने रखा हुआ है, तो इस हिसाब से पहले 40-50 मिनट अभी मैं जब बात करूंगा तो आपको प्रॉपरली उस चीज़ को सुनना है और उसमें अगर कुछ डाउट आता है तो नोट डाउन कर लो, तो आफ्टर पूरा सेशन कम्प्लीट होने के बाद वापस हम उस चीज़ को क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम, चलो। तो सबसे पहली चीज जो स्टॉक मार्केट में हम अगर मार्केट में काम कर रहे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट में काम करने का, हम मार्केट में क्यों काम करना चाहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट में काम करने का कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग है तो इन्वेस्टमेंट, जो भी हम स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो हम स्टॉक मार्केट में से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। हर बंदा का स्टॉक मार्केट में जब आता है, जो नए लोग मार्केट में है या तो इससे पहले भी मार्केट में जो काम करते होंगे कंटिन्यूसली मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमें स्टॉक मार्केट में से ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना है। आई थिंक सो सबका आंसर यही रहेगा, ओके। अभी प्रॉफिट बनाना है तो कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या तो कितना प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, वो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में, मार्केट में मार्केट के कैपेसिटी कितना है। सॉरी, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है और मार्केट में कितना पॉसिबल है तो मार्केट में जो प्रॉफिट आता है उसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस प्रॉफिट आप कमा सकते हो अगर आपको प्रॉपर मार्केट का नॉलेज आ जाए, अगर आप उस हिसाब से मार्केट में काम करेंगे तो वहाँ पे जितना भी आप सोच रहे हो अभी कि 10,000 महीने का आएगा क्या, 20,000 आएगा कि 50 आएगा कि 1,00,000 रुपये आ सकता है, हर वो अमाउंट जो आपके दिमाग में भी आ रही है वो पैसा स्टॉक मार्केट में जरूर हम कमा सकते हैं। बस शर्त है कि मार्केट में जब आपको काम कर रहा है मार्केट में अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे तो ही आप पैसा कमा सकते हैं। और सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेस पैसा बनाना है, तो आपको कुछ ना कुछ इनिशियल कैपिटल लगाना पड़ेगा, पहले कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, वो पैसे से पैसा आएगा।
तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको मार्केट में कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए। तो अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कितना कैपिटल मेरे पास रहेगा तो मैं मार्केट में काम कर सकता हूँ। तो नॉर्मल सी चीज है कि आपके पास 2,000, 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट है वो कोई भी अमाउंट से हम स्टॉक मार्केट में काम करना चालू कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले स्टार्ट करेंगे, जब तक हम स्टार्ट नहीं करते तब तक ये प्रोसेस हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले स्टार्ट करना, कोई भी 10, 5, 10, 20, 20,000 जो भी अमाउंट आपके पास है वो अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, पहला रिक्वायरमेंट ये। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट का हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज लेने के लिए टाइम की जरूरत है, क्योंकि आप आज का जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये सब कुछ मेंटेन करने के बाद स्टॉक मार्केट में हमें सेकेंड इनकम सोर्स जब जनरेट करना है तो ये इसमें अगर सक्सेसफुल आप होना चाहते हो तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज लेने के लिए आपको आपके पास टाइम भी होना चाहिए। सिर्फ पैसा है और किसी को दे दिया कि भाई तू मेरा पैसे पे पैसा कमा के दे तो कोई कमा के नहीं देगा, या तो वो होता ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है चीज़, उसमें कभी जाना नहीं। अगर आपको सच में मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो आपको खुद को मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ लेना है तो उसके लिए आपको टाइम निकालना है, लेकिन आपका जो डेली रूटीन है ये सब कुछ मेंटेन करने के बाद हमें मार्केट में काम करना है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जो भी सिस्टम अभी एक्सप्लेन करेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ दिन का 30 मिनट निकालना है, 30 मिनट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये 30 मिनट कब निकालना है तो आपकी चॉइस है, आप दिन में कभी भी निकाल लो, सुबह निकालो, दोपहर को निकालो, रात को निकालो, शाम को निकालो, कभी भी 30 मिनट्स निकालना है। मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है वो सब कुछ हम आगे आपको बता देंगे। अभी हम स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बताएंगे, अब दो रिक्वायरमेंट है, पहले कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए और मार्केट को समझने के लिए, मार्केट का नॉलेज लेने के लिए थोड़ा हमारे पास टाइम होना चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो इसके आगे जो भी हम प्रॉफिट देख रहे हैं, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हर वो चीज़ आपके लिए भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्केट में जितने लोग प्रॉफिट मार्केट में काम कर रहे हैं तो कितने लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मैक्सिमम 10% लोग ऐसे हैं कि जो अल्टीमेटली पैसा बना रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं। बाकी 90% लोगों का क्या होता है कि 2-4 दिन प्रॉफिट आता है, 1-2 दिन लॉस होता है, 2-4 दिन प्रॉफिट आता है और वापस लॉस हो जाता है, ये प्रोसेस होता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, मतलब मैक्सिमम 10% लोग कैसे कि जो अल्टीमेटली कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट में पैसा बनी रहा है, उनका हमेशा वो प्रॉफिट बना रहे, तो उस हिसाब से अगर हमें बनना है कि मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर अगर हमें बनना है तो मैक्सिमम 10% लोग ऐसे, तो उसमें से एक हमें बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, इसका रीजन क्या है कि 90% लोग मार्केट में लॉस कर रहे, 10% लोग प्रॉफिट कमा रहे, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है स्टॉक मार्केट में, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो वो चीज समझना है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा नॉलेज है, ऐसा कौन सा मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो चीज आपके पास रहेगा, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि ऐसा कौन सा स्किल सेट है कि वो अगर हमारे पास है तो हम स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। वो चीज़ अगर मुझे समझ में आने लग जाए मार्केट के बारे में तो हम पैसा बना सकते हैं। जैसे अभी शायद मैं जब पहले 5 मिनट में क्वेश्चन आंसर ले रहा था उसमें भी शायद इसमें से बहुत सी चीज़ें आपने मेंशन किया है कि कोई बोल रहा था कि सर एंट्री एग्जिट का फंडा अगर पता चल जाए तो हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, एंट्री कैसे करना है, एग्जिट मतलब टारगेट, या तो टॉप लॉस कैसे निकालने हैं मार्केट का, या तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट में जो बीच बीच में न्यूज आते रहते हैं उसको से आपको जज करना है, मार्केट में सप्लाई डिमांड के बारे में कैसे काम करता है, मार्केट में सप्लाई डिमांड कैसे वर्क होता है, या तो उसके बाद अगर मार्केट में सपोज दैट जो ओपन इंटरेस्ट रहता है, जो फ्यूचर में मार्केट में काम करते हैं लोग, उनके लिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है फ्यूचर ऑप्शन में, या तो मार्केट के ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, ऐसी ये बहुत लंबी लिस्ट रहेगी कि हर किसी को लगेगा सर ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए, और एक्चुअली मार्केट के बारे में क्या पता होना चाहिए वो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको आगे बताऊंगा, इसे एग्जांपल को एक एग्जांपल की हम बात करते हैं कि कोई भी आपका फेवरेट कंपनी जिसमें हम काम करें, सपोज यार एक्स वाई जेड नाम का है, उसमें अगर सपोज यार वो कंपनी का रेट, अभी आपको मैं बता दूं ट्रेड क्या है, ये 1200 रुपये पे अगर वो कंपनी का रेट जाएगा तो हमें बाइंग करना है, हमें परचेस करना है। अभी देखो अगर हमने बाय किया 1200 पे और मार्केट अगर 1200 से ऊपर जा रहा है, 1210, 20, 30, 40, 50 ऐसा अगर ऊपर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और वहां से अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा। तो ये ट्रेड में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, जैसे एग्जिट और टारगेट हमें पता होना चाहिए, तो एग्जिट कैसे करना
करना है, तो अगर मार्केट 1300 का गया है तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, मतलब जो चीज आपने बाय किया 1200 पे 1300 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अगर वो ऊपर नहीं जाता है और अगर अपने अगेंस्ट जाता है मार्केट, अगर हमें लॉस दिखाना चाहता है तो अगर उस हिसाब से उस टाइम में हमें मैक्सिमम कितना लॉस उठाना है तो 1150 तक हमें रुकना है, मतलब 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा, 100 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा। 1:2 का मिनिमम रेशियो रहता है, जो भी सिस्टम में आपको अभी बताने जाऊंगा वो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 1:2 का रेशियो मिलेगा, मतलब अगर आप 1000 रुपये का रिस्क लेंगे तो मिनिमम 2000 रुपीज आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये मिनिमम बोलो, इससे ज्यादा ही रिटर्न जब मार्केट में रैली आएगी तो कभी कभी 1000 रुपये के रिस्क का आपको 5000 प्रॉफिट आएगा, 10000 भी आएगा, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 1:2 का रेशियो हमारा रहेगा। और जो सिस्टम में आपको बता रहा हूँ उसका एक्यूरेसी की अगर हम बात करेंगे तो नियर अबाउट 85 टू 90% के बीच में हमें उसका एक्यूरेसी भी मिल जाएगा, तो उसका टेंशन लेना नहीं। बात यह है कि एग्जैक्टली जो एक्यूरेसी जब मार्केट में बड़ा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है उस टाइम पे आप मार्केट में सच में ट्रेड में रहेंगे कि नहीं, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है। तो वो कैसे, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया हुआ है, अभी जो एग्जांपल मैंने आपको दिया उसका अगर मूवमेंट है, सब देखो जो कल हो चुका है फ्राइडे को जो हो चुका है उसके बारे में अभी बोल के उससे पैसा नहीं आने वाला है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज ये जो एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग कल मंडे को जब मार्केट चालू होगा तो मार्केट सपोज 1180 को मार्केट स्टार्ट होगा, सपोज दैट, तो 1180 को जब मार्केट चालू हुआ है 9:15 बजे तो उसको बोलते उस प्राइस को बोलते ओपन प्राइस। अभी हमने क्या बोल के रखा है कि अगर 1200 जाएगा तो ही बाय करेंगे, तो थोड़ा मार्केट 5-10 मिनट ऊपर नीचे जाएगा, से एग्जांपल हम बात करते हैं 9:40 हो गया मार्केट ओपन होने के बाद, 20-25 मिनट हो गया उसके बाद आपको रेट मिला है 1200, मतलब अभी हम क्या करेंगे कि हमें वो कंपनी को माल खरीदना है, बाय करना है। इसका मतलब हमें क्या लग रहा है कि अभी 9:40 को हमें लग रहा है कि ये 1200 से और ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तो उसका जो ट्रेड है उस दिन में मार्केट ने क्या किया वो आपको मैं बताता हूँ। दिन में सबसे नीचे मार्केट जो गया होगा वो है उस टाइम का मार्केट का उस दिन का लो, उसको बोलते हैं लो, और वो प्राइस है 1160, और उस दिन में मार्केट सबसे ऊपर जहां पे गया होगा उसे बोलते हैं 1330, तो वो है हाई, ठीक है। मतलब मार्केट ने उस दिन क्या किया, सबसे नीचे जो गया उसको हम बोल रहे हैं लो, सबसे ऊपर हाईएस्ट प्राइस को जो गया उसको बोलते हैं हम हाई, तो हमने जो एंट्री किया था 1200 पे उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड लेने के बाद मार्केट सबसे ऊपर गया 1300 से भी ज्यादा, इसका मतलब हमारा टारगेट अचीव हुआ है। मतलब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हम टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हैं, मार्केट में टारगेट अचीव हो चुका है। तो सपोज ये टारगेट अचीव हुआ है, सबको दिख रहा है, जो एग्जांपल जो टिप्स आपको मिलते हैं कभी कभी कि ये बाय कर लो, ये टारगेट है, ये टॉप लॉस है, ये सब कुछ, इसके अकॉर्डिंग शायद जब तक आप ट्रेड नहीं करते सिर्फ आपके मोबाइल पे वो मैसेज आते रहते हैं, आप देखते रहेंगे, आपको लगता है अरे रोज प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कुछ करना ही नहीं, ये बंदा ट्रेड दे रहा है और हमें उसमें सिर्फ ट्रेड लगाना है और प्रॉफिट कमाना है, मतलब हमें अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, कोई दूसरा दिमाग लगा रहा है और हम पैसा कमा लेंगे। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, टिप्स से या तो कोई दूसरा आपको कमा के देने वाला नहीं है, आपको सिर्फ टिप्स भी आ जाएंगे। जैसे ये ट्रेड है इसमें रियल तकलीफ क्या होती है कि जब तक आप रियल में पैसा नहीं लगाते, जब तक रियल ट्रेड नहीं लेते तब तक आपको लगता है कि पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप रियल में काम करना चालू करेंगे तो कुछ अलग चीज होती है। तो अगर आपको सच में मार्केट में रियल अमाउंट अगर कमाना है तो आपको मार्केट का मूवमेंट समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली होता क्या है मार्केट में। देखो मार्केट का मूवमेंट मतलब क्या, तो पहली बात तो सपोज दैट किसी को लगता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या, तो हर बंदा बोलेगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, इस सबसे अप डाउन मार्केट का मूवमेंट होता है, ये तो सबको दिख रहा है। देखो मार्केट का मूवमेंट देखना अलग चीज है और मार्केट का मूवमेंट को रीड करना अलग चीज है। मार्केट में देखना अलग है, जो आपको चार्ट पे दिखेगा वो एक चार्ट, जो हो रहा है वो दिख रहा है, हमें अगर पैसा कमाना है तो जो होने वाला है मार्केट में वो चीज हमें रीड करते आना चाहिए, वो चीज हमें पता करती आनी चाहिए। इन शॉर्ट सपोज दैट अगर ये मार्केट का मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये जो मार्केट पुल बैक ले रहा है, तो हमें क्या अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये मार्केट पुल बैक करके वापिस ऊपर ही जाने वाला है क्या, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। जिसको ये चीज समझ में आ जाएगी वो बंदा पैसा कमा लेगा। मतलब अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में हमें क्या आना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है ये तो समझना है ही, लेकिन क्या होने वाला है ये जिसे समझ में आ जाएगा वो बंदा पैसा कमा लेगा। तो वो चीज है मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करना, और ये पूरा हमें मार्केट में पूरा कवर करेंगे, ये पूरा ट्रेनिंग में कवर करेंगे। एक बार आपकी मार्केट की मूवमेंट आपको समझ में आ जाए कि अभी मार्केट यहाँ पे, इसके बाद मार्केट कहाँ पे जाएगा, जैसे हम अगर हमारी सिस्टम की बात करेंगे तो आज बैठ के कल मंडे को मार्केट में अप ट्रेंड कब चालू होने वाला है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाने वाला है, वो चीज हम निकाल सकते हैं। मैं आपको वो प्रोसेस एग्जाम्पल लेके भी निकालूंगा।
रियल क्या है कि मार्केट में वो ट्रेड लेने के बाद, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखा है, वही एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1200 का हमारा बाय था, 1300 हमारा टारगेट था, 1150 अपना टॉप लॉस था। अब इसमें होता क्या है कि दिन भर का जब आप ये मूवमेंट देखते हो, जब आप टिप्स वगैरह लेते हो, इसमें जब आप ये मूवमेंट देखते हो कि हाँ सुबह हमने पता था मार्केट इतना ऊपर गया, ये ऐसा लगता है, ये पूरा दिन का मूवमेंट देखना और ऐसा लगता है कि टारगेट अच्छा हुआ, ये बोलना आसान चीज है। लेकिन अगर आपको मार्केट का मूवमेंट आ रहा है और साथ साथ में आपको मार्केट का साइकोलॉजी, लाइव मार्केट में जब ट्रेडिंग चलता है, जब आपका ट्रेड ओपन करते हो, जब ट्रेड ले लिया, सपोज 9:40 को आपने बाय किया हुआ है और आपके टारगेट को जाने के लिए सपोज मार्केट में 2:00, 2:30, 3:00 सपोज दैट, तो ट्रेड लेने से टारगेट अचीव होने तक जो 3-4-5 घंटा मार्केट में आपको रुकना है, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, उस टाइम आपका एटीट्यूड क्या है, वो डिसाइड करेगा कि आप मार्केट में पैसा बनाएंगे कि नुकसान करेंगे। देखो होता क्या है, जैसे आप ट्रेड लेते हो तो मोस्टली तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने ट्रेड किया होगा उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि ट्रेड लिया पहले मार्केट लॉस दिखाता है, तो वो क्यों होता है, क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सॉरी ओके उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है, सपोज आपने ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा आधा घंटा इधर उधर हुआ, उसके बाद मार्केट 11:30 बजे तक सपोज 1250 पे पहुंच गया है, इसका मतलब क्या कि आपको मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा है। कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 5000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। अभी आपको अज्यूम करना है कि आप रियल में मार्केट के सामने ये ट्रेड लेके बैठे हो और मार्केट ऐसा ऊपर नीचे कर रहा है, आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ रहा है, वापस कम हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, इस हिसाब से चल रहा है, तो अभी आपको ये 5000 रुपये प्रॉफिट जब दिख रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि पहले क्या आएगा कि भाई ये प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या। लेकिन वापस दूसरा आता है कि अरे मार्केट को अगर 1300 गया तो ये 5000 के जगह पे 10000 प्रॉफिट आएगा। मतलब क्या कि आपको लगता है लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाते कि यहाँ पे बुक कर लूँ क्या, ऐसा लगता है लेकिन हम वो अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे, तो सबको पता है कि मार्केट का मूवमेंट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये प्रोसेस चलता है, लेकिन 11:30 से मार्केट सब जो थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, जब पुल बैक करेगा और जब 12:30 बज जाएंगे और सपोज 1 घंटे से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नीचे करते 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 ऊपर जाने के बजाय मार्केट अभी नीचे अगर आ जाता है, तो यहाँ पे जो आपको कॉन्फिडेंस लग रहा था, यहाँ पे जो लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, अभी हमारे दिमाग में आता है कि अरे यहाँ पे तो अभी मतलब जो मेरा 5000 का प्रॉफिट था अभी वो तो 2000 ही बचा हुआ है, अभी डर आने लग जाता है। अगर ये साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना है, और इसमें होता क्या है कि आप बोलते कि थोड़ा रुक के देखते, आपको यहाँ पे लगता है कि निकल जाओ क्या, दूसरा बोलते कि अरे पहले तो 1 घंटे पहले 5000 दिख रहा था, अभी 2000 का इससे प्रॉफिट बुक कर लो। इसमें क्या होता है कि थोड़ा वापस मार्केट बढ़ने लग जाता है, वापस 4000-4500 प्रॉफिट दिखता है तो हमें लगता है कि अभी ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत जोर से जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस गिरता है तो अभी लगता है कि अरे बुक करना चाहिए था, मार्केट 2 बार प्रॉफिट दिखा रहा है, एक सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर रहे, मतलब मार्केट तो दिखा रहा है, सिस्टम तो वर्क हो रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आप इसमें रुकते इतने इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रुकना है कि निकलना है, रुकना है कि निकलना है, ये समझ में नहीं आता। और एक टाइम आता है कि आप क्या करते कि जान दो जितना मिल रहा है उतना ले ले, और आप जैसे ही उसमें स्क्वायर अप करते हो, जैसे ही वो ट्रेड खत्म करते हो, जैसे उसमें से एग्जिट होते हो, मार्केट तुरंत वो ऊपर भागने लग जाता है, और एक के साथ नहीं हो रहा है। जब मैंने 2008 में मेरा सिस्टम, मैंने मार्केट में जर्नी स्टार्ट किया था, जब ये प्रोसेस, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सेम चीज मेरे साथ होता था। सुबह ट्रेड लेता था, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, प्रॉफिट बुक कर लेता था, पता चलता था कि वही ट्रेड अगर शाम तक कंटिन्यू कर लेता तो जितना कमाया उससे 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट आ जाता था। ये प्रोसेस होता, फिर उसी का मुझे सोल्यूशन चाहता, एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है, और उसमें क्या होता था कि चलो ठीक है आज ये गलती किया कल नहीं करूंगा, लेकिन कल और अलग बात होती थी कि वापस मैं ट्रेड लेता था तो अगले दिन थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे लगता था कि जी जब तक टारगेट नहीं जाएगा तब तक निकलना नहीं है, फिर मार्केट ऐसा ऊपर नीचे करेगा और उस दिन मैं निकलता ही नहीं हूं, और मार्केट में होता क्या पता, उस दिन मार्केट ऊपर नहीं जाता, मार्केट फिर नीचे सीधा टॉप लॉस को चला जाता है, फिर वापस शाम को मुझे लगता था अरे कल निकलना नहीं था कल निकल गया, आज निकलना चाहिए था आज नहीं निकला। मतलब मार्केट में होता यही चीज है कि आपको क्या कब करना है, जो चीज आप कर रहे हो वो सही भी हो सकता है लेकिन टाइम सही नहीं हो सकता है, तो कौन से टाइम पे क्या करना है, जो मार्केट को टाइम करेगा वो बंदा पैसा कमाएगा। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में कोई भी चीज गलत है तो कोई भी चीज सही नहीं होती है, दोनों चीज सही है दोनों चीज गलत है, मार्केट में एक ही टाइम एक कोई बाय करा है कोई सेल करा है, मतलब अल्टीमेटली मार्केट को टाइम करना जरूरी है। अगर आपको सक्सेस मिलना चाहिए तो आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि अगर ये मार्केट जब गिर रहा है तो ये गिरने के बाद अगर मार्केट ऊपर गिर रहा है, आप बताओ अभी सपोज मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करना मतलब एग्जैक्टली करना क्या है कि जब ये गिर रहा है तो 1100-1220 को लोगों ने पहले बाय किया होगा उसके बाद मार्केट ऊपर गया होगा कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर लोग बाय करेंगे,
अभी सबको पता है जब तक बाइंग नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मतलब किसी ना किसी को समझ में आ रहा है कि ये मार्केट गिर भी रहा है तो भी हमें बाय करना है। तो एग्जैक्टली आपका अगर ये जो कंफ्यूजन बढ़ता है, ये जो मार्केट में अपना माइंडसेट बदलता है कि क्या करना है, आधे घंटे पहले लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक घंटे के बाद लगता है अरे मार्केट गिर रहा है, वापिस लगता है कि नहीं वापिस ऊपर जा सकता है, ऐसे 10 बार अगर डिसीजन चेंज होंगे तो कभी लाइफ में प्रॉफिट नहीं आएगा। तो आपको ये मार्केट का मोमेंट अगर समझ में आने लग जाए कि ये मार्केट यहाँ से गिर क्यों रहा है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाने वाला है, और कहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है, ये चीज अगर अंडरस्टैंड हो जाए, इसका अगर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो कब मार्केट में निकलना है और कब तक मार्केट में रुकना है, ये चीज समझ में आने लग जाएगी। और ये पूरा मार्केट का साइकोलॉजी हम पूरा ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं, मतलब मार्केट का मूवमेंट कैसे रीड करना वो चीज सिखाएंगे, और मार्केट में काम करने के लिए अपना साइकोलॉजी कैसे होना चाहिए, किस हिसाब से मार्केट में कब तक मार्केट में रुकना है और कब निकल जाना है, ये दोनों चीज आपको कंटिन्यूसली एग्जैक्टली मार्केट में हम बताएंगे। और साथ साथ में फिर ये चीज अगर आपको समझ में आने लग जाए तो फिर मार्केट में आता है कि ट्रेंड, कि अप ट्रेंड मार्केट में है क्या, कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, कि कंसोलिडेशन है। जैसे बहुत लोगों ने, 2-4 लोगों ने मुझे पूछा भी कि सर कैसे पता करें कि कौन से कंपनी में काम करना चाहिए, तो उसके लिए तो ये पता करना पड़ेगा कि जो भी कंपनी में हम काम करना चाहते हैं या तो वो कंपनी में ट्रेंड कौन सा है। अगर वो अप ट्रेंड है, मार्केट भी पूरा अप ट्रेंड में है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर कंपनी में कंसोलिडेशन चल रहा है तो वो कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है कि ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि 200 रुपये पे कोई स्टॉक चला, जैसे सब कल के फ्राइडे की बात है, सपोज दैट जब लिस्ट हुआ था सितंबर में तो 300-350 चल रहा था और कल का उसका हाई 1150 से भी ज्यादा, मतलब बताओ कि सपोज दैट लगभग 6 महीना, 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल को भी अभी 2-3 महीना बाकी है, सपोज दैट लगभग 4 गुना हो गया है। मतलब कमाने के लिए तो बहुत ऑप्शन है मार्केट में, लेकिन तकलीफ अभी बोल के कुछ मतलब नहीं है, जब वो वहां पे था 300-350-400 पे तब हमें समझ में आना चाहिए कि अभी उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो वो चीज अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए मार्केट को मूवमेंट समझना पड़ेगा, मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो मैं सिस्टम आपको बताने जाऊंगा उसमें 101% वो चीज आपको उस दिन मार्केट जब नीचे तभी आपको समझ में आ सकता है। मतलब जैसे SBI 200 का 400 हो चुका है, टाटा स्टील बढ़ चुका है, अदानी पोर्ट बढ़ा, ये सब स्टॉक में आप ऐसा काम कर सकते हैं, तो उसके लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार आपको समझ में आ जाए कि कोई कंपनी में अप ट्रेंड चालू हो चुका है तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं। बुल मार्केट में पहले हमें बाय पोजीशन लेना होता है, जब हम खरीदेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो उसमें प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये खरीदना कब है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ये पूरा सिस्टम में हमें समझ में आ जाता है। वैसे अगर मार्केट में आपने जो मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड किया और उसके हिसाब से हमें पता चला कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो उसे बेयर मार्केट भी बोलते हैं। इसमें पहले सेल पोजीशन लेते हैं, पहले हम शॉर्ट सेल करते हैं और फिर मार्केट गिरता है तो हम प्रॉफिट बुक बनाते हैं, इस हिसाब से प्रोसेस चलता है। और ये कंसोलिडेशन अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि एग्जैक्टली कंसोलिडेशन कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है, क्या करना है, किस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट होता है। और ये मार्केट का ट्रैप रहता है, कभी कभी मार्केट जब वन साइड भागता है तो वहां लोग पैसा बना भी लेते थोड़ा सा, लेकिन जो पैसा बनाया हुआ है ये मार्केट जब उसमें कंसोलिडेशन आता है तो उस टाइम पूरा पैसा लोग नुकसान कर देते हैं। तो एग्जैक्टली वो प्रोसेस कैसे करना है, कब करना है, क्या काम करना है, ये पूरा चीज हम कंसोलिडेशन में भी कवर करेंगे, ठीक है। और फिर आता है कि ट्रेडिंग पैटर्न, कि सबसे पहला पॉइंट कि कौन से कंपनी में हमें काम करना है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना है, ये हर बंदे के अपने पास प्रॉफिट के, अपने पास कैपिटल कितना है, टाइम कितना है, कितना नॉलेज है, फ्यूचर में काम करना है कि ऑप्शन में काम करना है कि इक्विटी कैश में काम करना है कि कमोडिटी मार्केट में काम करना है, वो सब कुछ, या तो वो पर्टिकुलर कंपनी में मूवमेंट कितना होने वाला है, ये सब फैक्टर उस पर इफेक्ट करते हैं। और वो सिलेक्शन कैसे करना है वो ट्रेनिंग में हम देखेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या रहेगा कि जो भी आपका सपोज कंपनी जिसमें आपको काम करने के लिए अच्छा लगता है, देखो आप हर कंपनी में प्रॉफिट बना सकते हो जिसमें भी आप काम, देखो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में अगर कोई बंदा नुकसान कर रहा है तो कोई कमा रहा है, और हर कंपनी में हर जगह पे कोई कमा रहा है कोई नुकसान कर रहा है, कोई कमा रहा है कोई नुकसान कर रहा है, तो अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस करते आएगा तो आप जिसमें भी काम करना चाहते हो उसमें पैसा बनेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जिसमें ज्यादा मूवमेंट रहेगा तो ज्यादा पैसा बनेगा, तो हमें उतना ही देखना रहेगा कि किसमें ज्यादा मूवमेंट होने वाला है, कौन सा स्टॉक 200 का 400 हो जाने वाला है और कौन सा स्टॉक 200 से सिर्फ 250 होने वाला है। तो जो ज्यादा मूवमेंट करेगा वो कैसे पकड़ना है वो चीज हम अपने आप आगे कर लेंगे। सपोज ये चीज कैसे पकड़ना, क्या करना, स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना, वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो चीज हम ट्रेनिंग में कवर करने वाले। और उसके बाद आता है कि अगर आपने ये पता कर लिया कि ये पर्टिकुलर कंपनी में मूवमेंट अच्छा है, ये बहुत अच्छा कंपनी है, सब कुछ आपने पता कर लिया, लेकिन तो भी कोई अच्छा कंपनी भी रहेगा तो भी वो कभी ना कभी गिरता ही है, और कोई बुरा वो ऊपर नीचे मार्केट में हमेशा होती रहती चीज। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि एंट्री कब करना है,
जब तक एंट्री करेक्ट नहीं होगा तब तक प्रॉफिट नहीं बनता है। तो एग्जैक्टली जो कंपनी में हम काम करना चाहते हैं उसमें हमारा एंट्री लेवल क्या होना चाहिए अपने, या तो मार्केट अगर नीचे गिरने वाला फ्यूचर में सपोज या तो ऑप्शन में कोई काम कर रहा है तो हमने कब से शॉर्ट सेल करना चालू करना चाहिए, ये चीज कैसे पता करना है। तो इसके लिए हमने अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, वो सिस्टम का नाम मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो सिस्टम में वर्किंग कैसे होता है वो चीज मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ। हम अपनी वेबसाइट पे आए, ये अपना वेबसाइट है अपना एकेडमी का ctacademy.co.in। लगभग 2011 से हम कंटिन्यूसली ये अपना एकेडमी रन कर रहे, लगभग 5000 से ज़्यादा सेटिस्फाइड स्टूडेंट अपने पास आज के डेट में कंटिन्यूसली मार्केट में अपने साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ये ट्रेड फाइंडर नाम का अपना सिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं। ये सिस्टम हमें इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं, पोजिशनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये सिस्टम का यूज आप मोबाइल से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, टैब से भी कर सकते हो, कोई भी डिवाइस पे कर सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम को आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक लॉग इन बटन हम देते हैं। लॉग इन पे जब क्लिक करेंगे तो जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो ट्रेनिंग के बाद आपके पास एक आईडी और एक पासवर्ड आएगा, वो आईडी पासवर्ड आप कोई भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। आप वो आपके पास जो आईडी पासवर्ड रहेगा, जैसा अभी ये मैं मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाला हूँ, और जस्ट लॉग इन बटन पे क्लिक कर देना है। मतलब आप मोबाइल से भी अपना सिस्टम एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। जैसे हम लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद एक और दो ऐसे दो आपको सामने ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा इंट्राडे ट्रेड फाइंडर, मतलब अगर आपको ऐसा एनालिसिस करना है कि आज बैठ के कल जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो एक दिन में मार्केट में मूवमेंट क्या होने वाला कोई पर्टिकुलर कंपनी का, अगर वो ऊपर जाएगा तो कौन से प्राइस के बाद ऊपर जाना चालू होगा, या तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो कब डाउन ट्रेंड में चालू होगा, अगर ये पता करना है तो इंट्राडे ट्रेड फाइंडर हमें यूज करना रहेगा। और किसी को सपोज दैट सर मुझे एक दिन का तो काम करना है लेकिन साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी करना है, आगे 2 महीना 4 महीना 15 दिन 1 महीना 2 या तो 1 साल 2 साल जो भी मार्केट में मूवमेंट आता है उसमें मुझे काम करना है। जैसे हैप्पीएस्ट मैन का अभी कल की बात है सपोज फ्राइडे की, इतना बड़ा मूवमेंट आया, सपोज ऐसे मूवमेंट में मुझे सच में एंट्री करता है क्या, और सच में मेरा पैसा 4 गुना 2 गुना 5 गुना बढ़ सकता है क्या, और उस लेवल का अगर काम करना है तो उसके लिए ये पोजिशनल ट्रेड फाइंडर हमें काम करना है। तो ये आ गया आपका पोजिशनल, मतलब इसमें एक दिन से ज्यादा की बात होती है, 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल जो भी है। तो मार्केट में अगर अप ट्रेंड आ रहा है तो कब से अप ट्रेंड आएगा, कब से डाउन ट्रेंड आएगा, ये हर चीज यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड फंडर में कवर हो जाती है। तो आपको इंट्राडे के लिए भी एनालिसिस करते आएगा और पोजिशनल में जो हम ये ट्रेनिंग लेंगे इसी में ये सब कुछ हो जाएगा, अलग से वापिस कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अभी आप जो इंट्राडे सपोज काम करेंगे तो अपना सिस्टम कौन से सेगमेंट में कहाँ पे वर्क होता है वो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। अपने सिस्टम के हिसाब से BSE NSE MCX इसमें जितने भी लिस्टेड स्टॉक है, जितने भी या MCX में जितने भी कमोडिटीज लिस्टेड है हर जगह पे हम काम कर सकते हैं, मतलब गोल्ड सिल्वर कॉपर निकेल एल्यूम जिंक जिसमें भी करना चाहते हो कर सकते हो। NSE की अगर बात करेंगे तो इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं, निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, इक्विटी कैश जो कितनी भी इक्विटी कैश के कंपनीज है सपोज रिलायंस है फ्यूचर, उसका रिलायंस का फ्यूचर है, मतलब इक्विटी में जितने भी स्टॉक आते हैं 7500 ज्यादा लिस्टेड स्टॉक वो सब कुछ, या तो उनके फ्यूचर जितने भी 160 के ज्यादा स्टॉक अभी आज के डेट में फ्यूचर अवेलेबल है तो हर फ्यूचर स्टॉक में कर सकते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में कर सकते हैं, करेंसी फ्यूचर में कर सकते हैं, और वैसे वीकली एक्सपायरी में भी आप ऑप्शन में काम कर सकते हो या तो मंथली एक्सपायरी में भी काम कर सकते हो, ऑप्शन में भी हम काम कर सकते हैं, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस जो भी आप चाहिए उस हिसाब से हमारा सिस्टम उसमें काम कर सकते हैं। अभी नए लोग भी है और ऑलरेडी फ्यूचर ऑप्शन में काम करने वाले लोग भी सपोज दैट, इसलिए मैं एक एग्जांपल लेके काम करता हूँ कि इक्विटी में कैसे काम कर किया जाता है। तो उससे एग्जांपल में यहाँ पे अभी बैठा हूँ और आप बताएंगे उसमें हम काम कर सकते हैं। ओके, या तो सिंपल सी चीज आप सिर्फ कंपनी का नाम वहाँ पे टाइप करना है, जैसे सपोज हम यहाँ पे अभी रिलायंस की बात करते हैं कि रिलायंस का मैंने ये टाइप कर दिया, वैसे कोई बोलेगा कि जो मुझे टाइटन चाहिए तो आप सिर्फ टाइटन का नाम टाइप करेंगे, टीसीएस है जो टीसीएस का नाम टाइप करेंगे, टाटा मोटर है जो टाटा मोटर का नाम टाइप कर देंगे, या तो जो भी आपको लगता है वो सिर्फ यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे, उसका डेटा आ जाएगा आपको, उसका एनालिसिस कल आज बैठ के कल क्या होने वाला वो चीज हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ सपोज दैट ये रिलायंस फॉर आज हमने 4 तारीख को बैठे तो 5 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है वो मुझे चाहिए सपोज अंडरस्टैंड करना है, तो मैं रिलायंस फॉर 5 जुलाई ऐसे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। मतलब ये कोई तो भी ये जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ये कोई तो भी एक नाम से सेव करना होता है, तो जैसे हम फाइल को सेव का नाम देते हैं फाइल को वैसे ये कैलकुलेशन को मैंने नाम दे दिया। अभी देखो अगर सपोज दैट ये एंड डेट कैसे सिलेक्ट करना है,
अगर 20 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है ये मुझे पता करना है तो यहाँ पे एंड डेट में मैं 19 तारीख से ले करूंगा। अगर 10 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है वो चीज हमें पता करना है तो मुझे एंड डेट में 9 तारीख से ले करना है। 25 को क्या होने वाला है वो अगर हमें पता करना है तो हमें एंड डेट में 24 से ले करना है। 22 को क्या होने वाला है तो एंड डेट में हमें 21 से ले करना है। वैसे ही सपोज अभी कल 5 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है अगर वो चीज आपको पता करनी रहेगी तो एंड डेट में हमें सिलेक्ट करना है आज का 4 तारीख का डेट। अभी कोई बोलेगा सर आज तो मार्केट बंद है कल भी मार्केट बंद था, तो जहां से मार्केट चालू होगा वहां से वो डेटा अपने आप आ जाएगा। जस्ट गेट डेटा किया 4 तारीख को हम बैठे और 5 तारीख को मार्केट में क्या काम करना है वो चीज हमें देखना रहेगा। जस्ट गेट डेटा मैंने यहाँ पे कर दिया, डेटा लोड हो रहा है। डेटा लोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ चुका है देखो। ओके और जस्ट हमें अभी क्या देखना है कि अभी फ्राइडे को मार्केट 2 तारीख को मार्केट जब चल रहा था तो मार्केट कहां पे था 2129 2129 को मार्केट आया था, वहां पे मार्केट रुका हुआ है 2129 पे। अभी मार्केट जब रुका है तो हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई क्या करना है। रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस मंडे को ये जो करंट प्राइस अभी मार्केट का जहां पे मार्केट रुका है 2129, तो यहां से मार्केट वापस ऊपर जाएगा क्या, 2150 जाएगा 2160 जाएगा, यहां से वापस ऊपर जाने वाला है तो कब ऊपर जाएगा, मैंने बाय कब करना है वो चीज मुझे निकालना है। या तो यहां से अगर वो नीचे गिरने वाला है सपोज दैट कि 2100 को जाएगा या तो 2090 को जाएगा, अगर यहां से मार्केट अगर 30-40 पॉइंट नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली मंडे को क्या होने वाला है और कौन से प्राइस के बाद मार्केट में अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड निकलने वाला वो चीज हमें निकालना है। उसके लिए सिर्फ एक बात, ये जो करंट प्राइस है मार्केट का आज का वो आपको दिमाग में रखना है 2129। जस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ और आपको एक देखना है कि 2129 जो मार्केट रुका था कल फ्राइडे को सपोज दैट, तो वहां पे मार्केट क्या देखना है। तो ये देखो हमेशा अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड जो मार्केट में चलता है, तो एक ट्रेंड में अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में फेज रहते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वापस थोड़ा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, इसको बोलते हैं फेज, ऊपर जाके नीचे आना एक पूरा एक प्रोसेस को एक फेज बोलते हैं मार्केट में। ऐसे एक ट्रेंड में 3-4-5-10 फेज हो सकते हैं सपोज दैट। तो अभी मार्केट कहाँ पे पहुंचा है 2129 पे मार्केट रुका हुआ है, रिलायंस वहां पे रुका हुआ है, फ्राइडे को क्लोजिंग आया हुआ है। तो हमें अंडरस्टैंड क्या करना है कि 2129 के बाद मार्केट कहाँ पे जाएगा, तो आपको सिर्फ अबव और बिलो के सामने जो वैल्यू दो वैल्यू दिखा है उसको कंपेयर करना कि जो कल का क्लोजिंग फ्राइडे का क्लोजिंग है 2129 ये अबव के वैल्यू के ज्यादा है कि बिलो के सामने जो वैल्यू उससे नीचे बिलो है, दोनों में से क्या है वो देखना है। तो अभी समझ में आएगा कि 2107 यहाँ पे लिखा हुआ है और अभी करंट मार्केट का प्राइस है 2129 मतलब 2129 है सपोज दैट, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर है तो हमें क्या करना है जस्ट थोड़ा ऊपर जाना है। अभी वापिस हम देखेंगे यहाँ पे 2122 आया लेकिन मार्केट वापिस 2129 को ऑलरेडी पहुंच चुका है तो यह वापिस एक बार ऊपर जाएंगे, मतलब अभी समझ में आ गया कि यहाँ पे यह चीज है ठीक है। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि अगर मंडे को मार्केट को वापिस यहाँ से 2160-2170 जाना है तो मार्केट में बाइंग कब आएगी, देखो जब तक बाइंग नहीं आता तब तक मार्केट ऊपर नहीं भागने वाला है, तो मार्केट में लोग कहाँ पे वापिस मंडे को बाय करेंगे 2129 से लेके 2133, ये दोनों के रेट ये रेंज में ये 3-4 रुपए के रेंज में लोग बाय करने वाले हैं। और यही चीज अगर मार्केट में बाय में नहीं जाएगा और इसका अगर डाउन ट्रेंड अगर चालू होने वाला है तो डाउन ट्रेंड कब चालू होगा, जब मार्केट 2116 से नीचे जाएगा तो ही मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। इस हिसाब से हम आज बैठ के 5 तारीख को मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है ये हर कंपनी का निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी रिलायंस का निकाल के दिखाया वैसे आप बैंक निफ्टी का भी निकाल सकते हो, निफ्टी का भी निकाल सकते हो और कोई दूसरा कोई पर्टिकुलर कंपनी रहेगा उसका भी निकाल सकते हैं, वैसे ही हम ऑप्शन के लिए भी काम कर सकते हैं। तो जिसमें भी हम काम करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे बता रहे कि इसमें आपको एंट्री कैसे पता करना ये समझ में आता है, साथ में एंट्री पता होने के बाद उसका टारगेट टॉप लॉस एग्जिट कैसे करना है वो चीज भी यही पे आपको मेंशन रहेगा। जब ये कैलकुलेशन कर लेंगे और कल जाके मार्केट को में आपको ट्रेड मिल जाएगा, तो जब आपको अगर सपोज दैट बाय ट्रेड मिला तो बाय ट्रेड का टारगेट क्या होना चाहिए, तो जस्ट यहाँ पे शो टारगेट और टॉप लॉस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शो टारगेट को टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका टॉप लॉस क्या लगाना है उसके टारगेट क्या लगाने वो चीज भी आपके सामने आ जाएंगी, मतलब एंट्री लेने से लेके मार्केट में कब तक एग्जिट करना है कब तक रुकना है कहाँ पे मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है ये हर चीज आपको एडवांस में समझ में आ जाएगी। इस हिसाब से ये प्रोसेस हमें रन करना होता है। तो ये ट्रेडिंग पैटर्न हर कंपनी के लिए हम कर सकते हैं।
ओके okay. तो अभी मेन चीज आती है कि ये जो लेवल आपने अभी हमने जो निकाला हुआ है, ये जैसे इंट्राडे के निकाला वैसे आप पोजिशनल की भी निकाल सकते हो, और ये चीज भी हम एडवांस में निकालते हैं। ओके okay. अभी मेन चीज क्या है कि ये जो लेवल मैंने निकाल के रखा हुआ है, यही लेवल अगर आप अभी आपके घर पे बैठ के भी अगर निकालते हो, आपके पास अगर ये आईडी पासवर्ड है, तो जितने भी लोगों के पास में ये ट्रेनिंग ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं, उन्होंने अगर ये घर पे निकाला तो उनका लेवल और मेरा लेवल एग्जैक्टली सेम मैच होगा। तो फिर बात क्या होती है कि आज तक क्या करते हैं लोग कि सपोज दैट जो भी सिस्टम है, एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आप आपके घर में मेरे घर, आपने जो भी फीस पे करना है पे कर दिया, अभी आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया कुछ ज्यादा मतलब नहीं उनके लिए, क्योंकि उनको जो कमाना है वो कमा लिया आपसे, हमने ये प्रोसेस बंद कर देना है। हम ये बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट आएगा तो आपको पैसा पे करना है, तब तक पे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है। और इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ ऑफलाइन ट्रेनिंग से पैसा नहीं आएगा, ऑफलाइन तो ट्रेनिंग लेना ही, मार्केट में कैसे सोचना है, मार्केट में क्या रीड करना है, ये सब कुछ तो समझना ही है, लेकिन साथ में लाइव मार्केट में कैसे काम करना है, मार्केट जब चलेगा तो उस टाइम पे कैसे हमें सपोर्ट चाहिए, उस टाइम पे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे ट्रेड लगाने, बाय ऑर्डर कैसे लेना चाहिए, सेल ऑर्डर कैसे लेना चाहिए, वो चीज का भी पूरा ट्रेनिंग हम देते हैं। मतलब जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो उसके हिसाब से जब जब आपको रियल में ट्रेड करना है तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे, जो आपने एनालिसिस करके रखा हुआ है उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे करना है, वहां पे बाय ऑर्डर कैसे लेना है, सेल ऑर्डर कैसे लेना है, एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेना है, वो रेंज में मार्केट अगर खुलेगा, अगर कल सपोज मार्केट गैप अप करता है, मार्केट गैप अप करेगा तो क्या करना है, मार्केट गैप डाउन करेगा तो क्या करना है, उसके लिए पूरा इंप्लीमेंटेशन के लिए एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे ट्रेड लेना है, वो हर चीज आपको वो पूरा आपको ट्रेनिंग में हम एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, जैसे सपोज आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो सेम व्हाट्सएप की जैसे मैंने टेलीग्राम पे ऐप मैंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ, उसमें क्या होता है कि आज बैठ के कल मार्केट में क्या होने वाला है उस चीज का लेवल मैं आपको एडवांस में शेयर करता हूँ। मतलब आपने ट्रेनिंग लिया, ये कोई टिप्स नहीं, पहली बात तो क्लियर समझना है कि ये कोई टिप्स नहीं, जो लोग ट्रेनिंग लेंगे जो ट्रेनिंग सीखेंगे उन्हीं के लिए यह सपोर्ट की आगे की बात है कि अगर आपने जो लेवल निकाला वो लेवल सही है क्या, किस हिसाब से मार्केट में वर्क होता है, सच में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अगर आपको जानना है इसके लिए हम ये पूरा सपोर्ट सिस्टम रखते हैं। कि से एग्जांपल 29 तारीख का मैंने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिया होगा सपोज दैट, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल कैसे निकाला होगा हमने कि 29 तारीख का अगर ये ट्रेड लेवल है, कितने बजे दिया है, 7:30 बजे दिया है, मतलब 9:15 बजे मार्केट ओपन होने से पहले दिया हुआ है, और ये ट्रेड कैसे निकलेगा, जैसे 29 का ट्रेड मुझे निकाला, जैसे मुझे 5 तारीख का ट्रेड निकाला तो मैंने डेट 4 तारीख लिया, तो 29 का ट्रेड निकाला तो मैंने डेट क्या लेना है 28 का, इस हिसाब से हमें कंटिन्यूस, मतलब यहाँ पे जो भी लेवल मैं भेजूंगा वही एग्जैक्टली लेवल आप लोगों का भी आएगा, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट में क्या होने वाला है, क्या करना है, ये चीज का आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, और उसके बाद मार्केट जब खुलेगा तो लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा कि अभी आपको मार्केट ओपन होने के बाद एग्जैक्टली कौन सा ट्रेड मिला हुआ है, हमें क्या करना है, कौन से रेंज में ट्रेड करना है, क्या टारगेट लगाने, ये पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे 29 तारीख का दिया था, ये ऐसा बहुत पिछला भी है लेकिन 2-4 दिन का मैं आपको दिखाता हूं, वैसे 30 तारीख का मैंने क्या होगा, 29 तारीख को मार्केट खत्म हो गया, वापस शाम को बैठ के जब भी आपको टाइम मिलेगा 15-20 मिनट आप निकालेंगे कि 30 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है, तो मिस 30 तारीख को वापस सुबह 9:15 बजे से पहले मार्केट ओपन होने से पहले मैं क्या बोलूंगा कि आज निफ्टी का हमारा ट्रेड क्या रहेगा, बैंक निफ्टी क्या क्या रहेगा, टीसीएस रिलायंस एचडीएफसी बैंक क्या रहेगा, ये सब पांचों ट्रेड में आपको देता रहता हूँ, और आपको भी यही लेवल मिलेगा, मतलब आप जब कैलकुलेशन करेंगे तब जाके वो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और वो कॉन्फिडेंस हमें पैसा कमा के देगा, और उसके बाद जब ये ट्रेड लेंगे तो लाइव मार्केट में उसमें क्या ट्रेड मिला, हमें बाय मिला, शॉर्ट सेल मिला, क्या मिला, उसका टारगेट क्या रखना है, टॉप लॉस क्या रखना है, वो पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। सेम 1 तारीख के लिए सपोज दैट कि जैसे मैंने वापस 7:30 के बीच में रोज का ट्रेड आपको आएगा, आज ये 5 कंपनी में क्या काम करना है, इसके अलावा भी एक बार आपको ये 5ों में काम करते आने लग जाए तो उसके बाद आप कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो आपका लेवल सही रहेगा, आप हर जगह पे काम करेंगे। ये कंटिन्यूअसली इस हिसाब से हम पूरा लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट देते हैं, कैसे ट्रेड लेना है, क्या टारगेट लेना है, किस हिसाब से करना है। वैसे ही सेम चीज अगर 2 तारीख की अगर बात करते हैं, मतलब लास्ट वर्किंग डे जो अपना फ्राइडे का था सपोज दैट, उस दिन हमें क्या काम करना है वो चीज मैंने यहाँ पे देख के रखा था कि निफ्टी में कैसे करना है, बैंक निफ्टी में कैसे करना है, टीसीएस में कैसे करना है, रिलायंस में कैसे, एचडीएफसी बैंक में कैसे करना है, ये हर चीज आपको यहाँ पे शेयर की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस का यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे ये शेयर था, तो उस हिसाब से अगर वापस कल के लिए क्या करना है वो चीज मैंने आपके सामने निकाल के रखा हुआ है। ये पूरा अपना सपोर्ट सिस्टम है, मतलब इससे ये कोई टिप्स नहीं है,
कोई टिप्स का पैकेज नहीं है यहाँ पे, मतलब सपोर्ट के लिए जो ट्रेनिंग लेगा उनके लिए ये सर्विस हम अवेलेबल करते हैं, क्योंकि आपको पैसा तभी आएगा जब आपको लाइव मार्केट में पूरा सपोर्ट मिलेगा। एग्जैक्टली क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि लोग ना क्या करते हैं कि कभी मार्केट बंद हुआ तब सीख लेंगे, बाद में लाइव मार्केट पर कोई आपको कुछ डाउट आता है तो वो क्या बोलते हैं कि अभी मत कॉल करो, अभी मार्केट चला है, अभी हम बात नहीं कर सकते, अभी आप क्या करो शाम को 4 बजे की बात करो। अभी आप बताओ कि 4 बजे के बाद आपको जरूरत क्या, क्या होने वाला, वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि क्या हुआ हुआ है। अगर मेरा नॉलेज का, मेरा एक्सपीरियंस का आपको यूज कब होगा कि 10 बजे जो आपको तकलीफ आ रही है, 11 बजे जो तकलीफ आपको आ रही है, उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि सच में ये वर्क होता है। और जो हमने 10 बजे बात की वही अगर 3 बजे तक हुआ है तो अपने आप आपको भी समझ में आएगा कि कैसे सोचना है, किस हिसाब से माइंडसेट रखना है, क्या मार्केट में सोचना है, ये सब कुछ हमें पूरा लाइव मार्केट में काम करते हैं, ये सब कुछ अपना प्रोसेस रहता है। और मार्केट का कंटेंट क्या, अपना जो ट्रेनिंग रहेगा, जिनको मार्केट का ABCD पता नहीं, सपोज दैट कि मार्केट में इक्विटी कैश क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, शॉर्ट सेल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चार्ट कैसे रीड करना है, कैंडलस्टिक का चार्ट कैसे रीड करना होता है, रेड कैंडल क्यों बनता है, ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, किस हिसाब से बनता है, इंडिकेटर क्या होता है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, जो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर जिसमें आपको बाय सेल ऑर्डर लगाना है तो बाय ट्रेड कैसे लेना है, टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये सब चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। मार्केट में एडवांस जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक दिन बैठ के, आज बैठ के कल मार्केट में क्या होने वाला है, वैसे मैं रोज का एडवांस में मार्केट ओपन होने से पहले भी लेवल दूंगा और आपको भी वो कैसे निकालते आना चाहिए ये पूरा हम ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो अपने पास अमाउंट है उस पर कैसे मैनेजमेंट करना है उसको, उस पर कितना रिस्क लेना है और किस हिसाब से मार्केट में वो पैसा डाइवर्सिफाई करना है, वो पूरा चीज हम कवर करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइव मार्केट का सपोर्ट मैंने आपको दिखाई दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा आपको अपना एकेडमी का। लाइफ टाइम मेंबरशिप मतलब क्या कि जो ट्रेनिंग अभी आप स्टार्ट करेंगे, ये ट्रेनिंग जब एक बार कंप्लीट होगा, सपोज दैट जो भी ट्रेनिंग का बैच अपना, उसके बाद वापस अगर आपको एक बार अटेंड करना है आप वापस अटेंड कर सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, अनलिमिटेड टाइम, कितनी बार जब तक आपको लगता नहीं कि मुझे, मैं सेटिस्फाइड हूं, तब तक ये ट्रेनिंग आप बार बार अटेंड कर सकते हो। इस हिसाब से हमने वो लाइफ टाइम मेंबरशिप रखा हुआ, मतलब कि एक बार आप ट्रेनिंग लेंगे, एक बार आप पे करेंगे, उसके बाद जितना भी मार्केट में आपको सीखना, जितनी बार भी आपको ये ट्रेनिंग पर बार बार अटेंड करना है, वो हर बार आप विदाउट, यानी उसके बाद कोई चार्जेस आपको रहेगा नहीं, आप कितनी बार भी वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस हिसाब से हमें लाइफ टाइम का रिलेशन क्रिएट करना है अपने साथ, ठीक है। अभी मेन चीज आती है कि हमें ये ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग कब रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, ये और कुछ जो मार्केट में हम जो कवर करने वाले टॉपिक है। और जिनके डीमैट अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे ओपन करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, उसका पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इस हिसाब से ये पूरा हम कवर करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग का कॉस्टिंग है आपको 10,000 रुपीज आपको ट्रेनिंग चार्जेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, आपका सीट आपको बुक करना है। ट्रेनिंग कब स्टार्ट होने वाला है, तो ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का अपना ट्रेनिंग का बैच रहेगा, 5 जुलाई से 10 जुलाई तक, शाम को 7 बजे 7 PM to 9 PM, मतलब जो भी आपका जॉब वगैरह जो भी होगा खत्म करने के बाद आप जब घर पे आते हैं तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रोज 2 घंटा आपको निकालना है। ये पहले 5 दिन हमें 5 लेक्चर जो मंडे टू फ्राइडे हम कंटिन्यू करेंगे वो जूम मीटिंग पे कंडक्ट होगा। उसके बाद वापिस अगले 1 महीने तक लाइव मार्केट का सपोर्ट चलेगा। ये 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग रहेगा और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो देखो कि जो ट्रेड फाइंडर टूल हमने दिखा, इंट्राडे पोजिशनल दोनों, ओके, वो पूरे 1 महीने के लिए आपको यही ट्रेनिंग 10,000 में ही आपको पूरा ट्रेड फाइंडर टूल भी मिल जाएगा। अभी आपके दिमाग में आएगा कि 1 महीने के बाद क्या, अभी मैं बोलता हूं कि 1 महीने में, 1 महीने की बात का सवाल कब आता है, अगर 1 महीने में आपने ये सिस्टम में सच में प्रॉफिट बनाया, ये सिस्टम आपको सच में अच्छा लगा, ये सच में वर्क हो रहा है मार्केट में, इससे अगर पैसा बन रहा है तो बात आती है। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं कि आज तक लोग क्या करते थे, 10, 50,000, 30,000, 40,000, 25,000, 1,00,000, 2,00,000 ये ट्रेनिंग का कॉस्टिंग रखते हैं, वन टाइम चार्जेस रखते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर अपना सिस्टम वर्क हो रहा है तो मैं वन टाइम चार्जेस नहीं रखता आपको, आप अगर पैसा कमा रहे तो ही आपको पे करना है, अदरवाइज पे ही नहीं करना है। मतलब पहली बार आपको 10,000 रुपीज चार्जेस रहेगा और उसके बाद पूरे महीने में अगर आपने सच में जो प्रॉफिट कमाया उसके बाद आपको अगले महीने से सिर्फ 2,000 रुपये पे करना है, पर मंथ आपको 2,000 रुपीज पे करना रहेगा, उसमें भी 3 महीना 6 महीना 1 साल का पैकेज रहेगा। तो अगर आप बड़ा पैकेज लेंगे तो आपको 1,200-1,300 रुपए का कॉस्टिंग रहेगा अगर पूरे साल का भी पैकेज लेंगे तो ये ट्रेड फाइंडर आपको इसमें यही ट्रेनिंग में पहले महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद
जो ये टेलीग्राम चैनल मैंने दिखाया, एक महीने का टेलीग्राम का चैनल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो ट्रेड रोज के ट्रेड आते, ये कंटिन्यूसली पूरा महीना आएगा आपको। मतलब ये 5 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद अगले मंडे से रोज पूरा महीना, 1 महीने तक आपको पूरा मैं ट्रेड दूंगा। मतलब नॉर्मली अगर कई टिप्स भी लेने के लिए जाएंगे तो 5-7-10 हज़ार रुपये तो टिप्स का कहीं ना कहीं चार्जेस होता है, लेकिन मुझे पता है कि टिप्स से पैसा नहीं आता, इसलिए ये कोई टिप्स नहीं है। आपको पूरा वो लेवल क्यों आ रहा है, वैसे ही हमें मार्केट में क्यों काम करना है, ऐसा ही मार्केट में क्यों होने वाला है, वो लॉजिक पहले आपको सिखाएंगे और उसके बाद वो ट्रेड आपको देंगे। मतलब आप खुद सच में पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, टिप्स आता है लेकिन वो बाय क्यों करने के लिए बोला है, मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, वही उसको समझ में नहीं आता। तो कन्विक्शन जब आपके पास नहीं रहेगा तो आप वो पैसा ही नहीं बना सकते। इसमें वो होता क्या है कि आप ट्रेड डालते हैं लेकिन मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट आके भाग जाते हैं। अगर उसका नॉलेज रहेगा तो आपको पूरा रैली मिलेगा, तो तब जाके आप मार्केट में प्रॉफिट में बचेंगे। इसलिए पहले हम ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ में आपको पूरा सपोर्ट देंगे। ये सबसे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। पहले महीने के लिए जैसे आप 10 हज़ार रुपये पे कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल मिल रहा है, अगले महीने सिर्फ आप 2 हज़ार पे करेंगे तो भी आपको ये टेलीग्राम चैनल कंटिन्यू मिलता रहेगा। मतलब ये लाइफ टाइम आपको प्रोसेस चलता रहेगा। आप सिर्फ रिन्यू करेंगे तो आपको ये ट्रेड फाइंडर टूल भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का जो 5 कंपनी का जो ट्रेड आते हैं वो ट्रेड भी कंटिन्यूस आते हैं। मतलब 2000 में निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लेवल भी मिलता है, इक्विटी कैश में टीसीएस रिलायंस एचडीएफसी बैंक ये 5 के ट्रेड भी मिल जाएंगे आपको। मतलब ये एक्चुअली में उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, ये पूरा एड ऑन, ये सपोर्ट सिस्टम है हमारा। उसके बाद जो हम 5 दिन का ट्रेनिंग लेने वाले हैं, इसमें सपोज दैट जो भी ट्रेनिंग होगा उसका पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग होगा और वो हर चीज वो पूरा रिकॉर्डिंग आपको शेयर किया जाएगा। वो आप कितनी बार भी बार बार सुन सकते हो, वापस अगली बैच में तो बैठ ही सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सपोज दैट वो 7 से 9 बैच होने वाला है लेकिन 15 मिनट आप लेट पहुंचे तो आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल अपना है, यूट्यूब चैनल पर कुछ अपडेटेड वीडियोज वगैरह आते रहेंगे, वो भी आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। 1 महीने के लिए लाइव मार्केट का ट्रेनिंग सपोर्ट, जो ये टेलीग्राम चैनल पे मैं लाइव मार्केट का सपोर्ट दे रहा हूँ, ये तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे तरफ से। उसके अलावा ये 5 कंपनी के अलावा अगर आप किसी में अलग में काम करना चाहते हो, कैश में, फ्यूचर ऑप्शन में, इंडेक्स में, या तो जो भी इंट्राडे या तो पोजिशनल या तो कमोडिटी मार्केट में आप काम करना चाहते हो, जिसमें भी आप काम करेंगे, जैसे मैं आपको 5 कंपनी का ट्रेड भेज रहा हूँ, वैसे ही आप भी आप जिसमें सोच रहे हो उसका कैलकुलेशन करो और मुझे भेजो, मेरे टीम को भेजो, वो आपको वेरीफाई करके देंगे कि आपने कैलकुलेशन जो किया वो बराबर किया है क्या, किस सबसे मार्केट में रखना है। ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 महीने का चलेगा। मतलब इन शॉर्ट ट्रेनिंग का पीरियड जो 5 दिन का अपना बैच चलेगा वो है और साथ में 1 महीने का लाइव मार्केट सपोर्ट, ऐसे 35 दिन का पूरा ट्रेनिंग अपना चलेगा। ट्रेनिंग का सबसे मेन बेनिफिट अपना क्या है कि एक बार ये पूरा आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए ये प्रोफेशनल ट्रेडर बनके आप मार्केट में निकलेंगे। मतलब लाइफ टाइम आपको वापस अलग से और कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर सेगमेंट का 100% डीप नॉलेज आपको मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो शायद सब लोगों को ज्यादा जरूरी है, सपोज यार कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा पहले 5 दिन के बाद आप जब ये काम चालू करेंगे मंडे से, तो 1 महीने का जो आपको सब कुछ ट्रेड मिलेगा उसी में आपका पूरा ट्रेनिंग का फीस आराम से निकल जाएगा। जो भी आप पे करने वाले हो विद इन मंथ वो तो आराम से निकलेगा ही। अगले महीने जो आपको 2000 पे करना रहेगा वो भी आप मार्केट में से कमाया हुआ ही देंगे, आपको अलग से खुद के जेब में से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ये कॉन्फिडेंस मैं आपको अपने सिस्टम से दे सकता हूँ, ठीक है। अभी ये प्रोसेस है, अपने सिस्टम से एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना आ सकता है, सपोज दैट ये देखो इतने जगह पे हम मार्केट में काम करते हैं, हर जगह पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये कितना प्रॉफिट है वो मैं आपको बता दूं, उसके साथ में पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है। जो बंदा अभी रजिस्ट्रेशन करेगा उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपके आपको बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कि आपको क्या करना है कि अभी सिर्फ 3000 रुपीज पे करना है। आज तक लोग क्या करते, देखो कि पूरा 10,000 रुपीज पे करो फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको पैसा आया, आपको सिस्टम अच्छा लगा नहीं लगा आप आपका देख लो भाई। मैंने बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, हमें विन विन सिचुएशन रखना है। अगर सपोज दैट आपको सच में अपना सिस्टम वर्क हो रहा है, आपको सच में ये जो मैं आपको सिखाऊंगा वो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही आपको बाकी पैसा पे करना रहेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको 3000 रुपीज पे करना है, रिमेनिंग 7000 पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद आपको अगर ये ट्रेनिंग अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम सच में वर्क हो रहा है, तो ही अगले सैटरडे संडे को रिमेनिंग 7000 पे करना है।
मतलब विन विन सिचुएशन हो गया। देखो कभी भी स्टार्ट करना डिफिकल्ट लगता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने इजी कर दिया कि नॉर्मली 3000 रुपीज एक दिन मार्केट में काम करेंगे तो कहीं टॉप लॉस चलेगा पता नहीं चलेगा। मेरे लिए 3000 ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए बड़ी बात है। सपोज दैट बड़ी बात क्या है मार्केट में, तो अगर इससे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो विन विन सिचुएशन। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो आपने सिर्फ 3000 रुपीज दिया है, आप वापिस पे करने वाले हो, तो मैं आपको इस सबसे पूरा पढ़ाऊंगा कि आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। सच में आप सेटिस्फाइड होंगे, सच में अपना सिस्टम वर्क होगा तो ही आप पे करेंगे। इस सबसे हम वो प्रोसेस कर रहे हैं। जो अभी सीट रजिस्ट्रेशन ये जो अपना ट्रेनिंग ये जो वेबिनार चला है, ये वेबिनार खत्म होने से पहले पहले जो पेमेंट करेंगे उनके लिए वापस जो ट्रेनिंग का कॉस्टिंग 10,000 है तो उनको जो अभी 3,000 पे करेंगे उनके लिए 20% ट्रेनिंग का फीस में डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 10,000 का जो ट्रेनिंग का फीस है उसमें 20% गया, मतलब बचा 8,000 रुपया, आपको 2,000 रुपीज उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी सिर्फ 3,000 पे करेंगे और रिमेनिंग आपको 5,000 पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद पे करना रहेगा। ठीक है, इस सबसे पेमेंट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का लिंक मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बॉक्स में भेज दिया हुआ है, तो आप वहां पे डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से वहां पे कर सकते हो, या तो गूगल पे फोन पे का नंबर मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो आप गूगल पे फोन पे ये जो नंबर है ये नंबर से डायरेक्टली यूपीआई जो भी आप यूज करते होंगे, पेटीएम गूगल पे फोन पे जो भी यूज करते होंगे, तो यहाँ से ये नंबर पे आप डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे। एक बार आपने पेमेंट किया तो आपको ये नंबर पे या तो आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो आपको मैसेज आया 98 का नंबर जो आएगा, 98 का नंबर या तो ये नंबर, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे, वो नंबर पे आपका स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपका नाम भेज देना है। इस सबसे ये प्रोसेस हमारा इसमें आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज कभी भी एक चीज लास्ट में बोलूंगा कि कभी भी हम जब मार्केट में स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज जब स्टार्ट करते तो बहुत पहला स्टेप उठाना डिफिकल्ट लगता है, और उसी को मैंने इजी कर दिया कि भाई नॉर्मली पहले स्टार्ट करो, कोई तकलीफ नहीं, मैं आगे पूरा आपको जर्नी कंप्लीट करवाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करना है। एक्सक्यूजेस तो बहुत रहेंगे, ऐसा है ये वो सब कुछ है, लेकिन जब अगर किसी को करना है सच में मार्केट में सक्सेस होना चाहते हो तो विन विन सिचुएशन मैंने दिया हुआ है। 3000 रुपीज अभी पे करेंगे, 10,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%, मतलब रिमेनिंग 5000 रुपीज पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद पे करना है। ये डिटेल है। ओके, अभी हमें प्रॉफिट कितना आ सकता है, सपोज दैट पूरे महीने में अगर हम काम करते तो 2 मिनट में वो प्रॉफिट भी मैं आपको दिखा देता हूं, और फिर आपको पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है। पूरा ट्रेनिंग का मटेरियल वगैरह भी आपको मिलेगा, वो कैसे पीडीएफ से वगैरह वो चीज भी मैं आपको भेज दूंगा, और जो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ट्रेनिंग का मटेरियल जो नॉलेज बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो भी वो सब कुछ तुरंत आपको एक्सेस हो जाएगा। अगर मैंने टीसीएस में पूरे महीने काम किया तो 30,000 पे 15,000 रुपये लगभग 50% रिटर्न आया हुआ हमारे यहाँ पे। वैसे ही सपोजर मैं निफ्टी में या तो बैंक निफ्टी में फ्यूचर में काम करता हूँ सपोजर, तो 2 लाख पे लगभग 1,10,000 रुपये प्रॉफिट हमारे यहाँ पे आया है। वैसे मैं अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ तो 2 लाख पे 1,23,000 रुपये लगभग प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे जो भी हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं एग्जैक्टली जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ट्रेड दिया होगा वही लेवल यहाँ पे मैच होगा। वैसे HDFC बैंक में अगर मैंने किया हुआ है तो 15,000 पे 9,400 लगभग 50% तक हमें रिटर्न आराम से आता है। इस हिसाब से ये सब कुछ आएगा और ये हर महीना चलेगा, ये प्रोसेस हर महीना कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो, या तो पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे। और हेलो, बोलिए सर, बोलिए। फॉरेक्स का है क्या? फॉरेक्स में भी कर सकते सर आप, तो ब्रोकर यही नहीं चलेगा ना? नहीं, ब्रोकर तो आपका जो भी रहेगा वो वहां पे रहेगा ना, वैसे भी ब्रोकर तो कोई भी चलेगा ना, जहाँ पे भी आप यूज करते हो वो ब्रोकर के भी काम करना पड़ेगा। MT4 पे वो ब्रोकर का काम होता है, तो MT4 पे मतलब हम कर सकते हैं? कुछ मतलब नहीं सर, आप किसी में भी कर सकते, ट्रेड तो कहीं पे भी लगाओ ना। जैसे यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई जीरोधा में काम करेगा, कोई अपस्टॉक में करेगा, कोई और दूसरे, आप कहीं पे भी काम करो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अमित सर बोले कि सर बात यह है कि ये यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग पैसा निकालना चाहते हैं, तो वह मैंने विन विन सिचुएशन रखा है कि अगर वो आपको 5 दिन के बाद सक्सेसफुल लगेगा तो बाकी का रिमेनिंग पे करना है, अदरवाइज कोई पे नहीं करने वाला है।
विन विन सिचुएशन में। सर ऑप्शन में कैसे काम करेगा, 100% ऑप्शन में काम करते हैं किस हिसाब से, तो वो ऑप्शन के लिए भी मैंने ऑप्शन इंडेक्स भी दिया, सब कुछ वहां पे है। तो जैसे हमने इक्विटी का कैश कैलकुलेशन करके दिया, वैसे ही ऑप्शन का भी कैलकुलेशन होगा। हेलो सर, बोले सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर मराठी मध्ये आहे का मॅम, मागच्या वेळेस मराठी मध्ये कंटेंट केलता तुम्ही? नक्की सर, मराठी मध्ये पण असतं, हिंदी मध्ये पण असतं, दोन्ही गोष्टी असतात आपली, मराठी मध्ये पण असतं। ठीक आहे सर, मराठी मध्ये राहतो, काय प्रॉब्लेम नाही, मराठी मध्ये सगळं आहे ना सर, मागच्या वेळेस मराठी बोलत होता। गुड लुकिंग सर। ओके थँक्यू सो मच। नक्की सर, थँक्यू सर। ओके ओके, ऑप्शन में भी वर्क होता है, जैसे अभी मैंने इक्विटी कैश में काम करवा के दिखाया, वैसे ही ऑप्शन में काम होता है सर। हेलो, बोलिए सर। Can I get a recording after 5 day completion? हाँ, if any lecture I miss? सर आपको पूरे 5 दिन का रोज का रिकॉर्डिंग मिलेगा, और पूरा 5 दिन का पूरा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको, उसका कोई टेंशन नहीं। ओके मिलेगा मिलेगा। किसान सर, सर ये ऑब्वियसली वेबिनार था, तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बताने वाले थे, ये ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग होने वाला है आगे आपको। जिग्नेश सर, स्ट्रैटेजी सिखाओ सर। स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती, और जो जो चीज फ्री में देता है वो चीज आप यूज करके देखो, आपको बाद में पता चलेगा, फ्री में फ्री का चीज सबसे महंगा रहता है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सही कोई चीज फ्री में आपको मिल जाए, और आपको घर बैठ के 1 रुपया पे नहीं करेंगे और पैसा आपको सिखा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। हाँ सर, बोलिए 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 बोलिए। सर मी नवीन आहे, करू शकता ना तुम्ही ओपन, काहीच प्रॉब्लेम नाही ना। तेच मला काय माहिती नाही सर, आज अटेंड केलं म्हणून बघितले सर। नाही करू शकता, करू शकता, करू शकता। ओके सर, थँक्यू। नक्कीच। यहाँ पे जो मैसेज आ रहे, कोई चीज किसी को लग रहा है कि फ्री में कोई चीज, देखो कभी भी कोई चीज फ्री में नहीं होती है, आप पहले समझ लो। और जो चीज फ्री में मिलती है, जैसे फेसबुक में आपने अकाउंट फ्री में निकाल दिया, लेकिन बाद में चला गया कितना महंगा है वो चीज, तो वो चीज रहता है सर। बैंक निफ्टी डिटेल्स, भाई सर बैंक निफ्टी का डिटेल्स क्या चाहिए बताओ आप, बैंक निफ्टी के बारे में क्या डिटेल्स चाहिए सर? अगर पैसिफिक बैंक निफ्टी की डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको ये बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो, बैंक निफ्टी में अगर हमने काम किया है, तो बैंक निफ्टी में हमें लगभग 2 लाख, मतलब 2 लॉट से अगर मैं मार्केट में काम करूँ बैंक निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी अगर हम काम करें तो लगभग हमें ये 50% तक प्रॉफिट आता है। क्या बोल रहे सर? हाँ, बैंक निफ्टी का इंट्राडे का ही आपको ये परफॉर्मेंस शो किया है मैंने सर। क्रेडिट कार्ड से कैसे पेमेंट करें? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए सर लिंक दिया हुआ है आपको, वो लिंक पे क्लिक करो, वहां पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ये देखो सर, ये लिंक दिया हुआ है बिटले का, आप चार्ट बॉक्स पे ओपन करो और लिंक पे क्लिक करो, वहां पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हो। और कुछ कुछ तकलीफ आ रही है तो 9820 के नंबर पे कॉल करो, आपको गाइड कर देंगे, तुरंत कॉल कर लो उनको। अमित सर, हमारे पास अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपका जो ऑलरेडी अकाउंट रहेगा आप वहीं पे काम कर सकते हैं, हम कोई डीमेट अकाउंट हमारे पास ही होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, जिनके पास अकाउंट नहीं है उनको कैसे ओपन करना है उसका गाइडेंस भी मिलता है, हमने कहीं टाइप भी किया हुआ है, वहां पे भी अकाउंट ओपन करवा देंगे। या तो आपका कोई दोस्त रहेगा, आप जो सिटी में रहते हैं वहां पे कोई बंदा है, तो उसके साथ कैसे खोलना है उसका गाइडेंस मिल जाएगा। जिनको क्रेडिट कार्ड करना है तो लिंक दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। विजय सर, आप अगर पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं तो 9820 के नंबर पे कॉल कर लो, आपका जो उस टाइम पे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपका ऑलरेडी लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगा, तो आप सिर्फ वहां पे वापस रिन्यू कर लो अपना सिस्टम 2000 रुपीज पे करके, और आप पूरा ट्रेनिंग के लिए अटेंड कर सकते हो। वापस आपको अलग से कुछ ट्रेनिंग के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। विजय सर, शायद आपको आंसर मिल गया होगा। 9820 आशीष सर के नंबर पे कॉल कर लो, आपकी हो जाएगी आगे की बात, आपको कल का रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, सिर्फ आपका पैकेज एक्टिव करके रख दो आप। अरविंद माने, व्हाट इज फीस सर? फीस क्या है,
कि अभी 10,000 रुपीज एक्चुअली ट्रेनिंग का फीस है, लेकिन जो अभी रजिस्ट्रेशन करेगा तो उनको स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा 20%, मतलब टोटल ट्रेनिंग का फीस होगा 8,000 रुपया, अभी 3,000 रुपीज उसमें से पे करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा और उसके बाद रिमेनिंग 5,000 रुपीज पे करना। क्रेडिट कार्ड का लिंक कहाँ पे है सर? वही वो ग्रुप में आया ना सर, आपका नंबर बताओ सर। 192025। एक मिनट हाँ, आपको मैसेज आ जाएगा। 9924025640 ओके। हेलो। हाँ सर बोला, बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूँ। मैं नासी से बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए ना। ये एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर है ना? एल्गोरिथम नहीं है सर, ये कुछ 2 मिनट में आपको बताता हूँ। एक मिनट रखो। आप पेमेंट एनईएफटी से चलेगा सर? चलेगा, एनईएफटी से भी चलेगा। आपका नंबर भेज दो, या तो एक नंबर में भी देता हूँ उस पर मैसेज डाल दो, आपको तुरंत एनईएफटी का डिटेल, बैंक डिटेल्स भी भेज देंगे वो। बोला सर तुम्हें? हाँ, अलगो क्या है? एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर नहीं है? एल्गोरिथम नहीं है सर। अच्छा, मतलब कम से कम श्योरिटी तो है ना? हाँ, इतना मैं बोलता हूँ कि इसका गारंटी 100% वर्क होता है, 2011 से हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। इसमें इसका लॉजिक है, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या बेस है, इसका क्या थीम है, वो चीज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये मतलब क्या है कि अगर ये बोलेंगे जैसे अल्गोरिदम रहता है, तो अल्गोरिदम में अलग चीज रहती है सर, कि वो ऑटो कुछ करना चाहता है लेकिन उसमें सक्सेस नहीं आता है। हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट का फोर्स का एनालिसिस करते हैं, भाई कितने लोग बाइंग करना चाहते हैं, या तो कितने, अल्टीमेटली मार्केट को कौन ड्राइव करता है, मार्केट ऊपर है तो नीचे कौन लेके जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें बाइंग करेंगे, मतलब बाइंग फोर्स ज्यादा रहेगा, तो मार्केट ऊपर है। लेकिन बायर सेलर ज्यादा मतलब नहीं है, देखो बायर ज्यादा दिखना और सेलर ज्यादा दिखना अलग चीज रहती है, और फोर्स कैलकुलेट करना अलग चीज होती है, जो वो चीज हम वहां पे कर रहे हैं तो उसके बारे में रहती है। हाँ, उसका पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बना के रखा हुआ है, और ये पूरा सिस्टम मैंने खुद ने डेवलप किया हुआ है। हेलो, बोलिए सर। उसका किसके बारे में फिर से बताएं ना, प्लीज फिर से बताइए। किसके बारे में सर? इसकी फीस? फीस हाँ, फीस सर, इसका फीस क्या है कि 10,000 रुपीज ट्रेनिंग का फीस है, ठीक है? उसमें से अच्छा। जो अभी डिस्काउंट रजिस्ट्रेशन का चार्जेस 3,000 रुपीज है, मतलब 3,000 रुपये पे करना है, आपका ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो अभी पे कर रहा है उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब उसका 10,000 में 2,000 रुपये बचने वाला है, तो 8,000 रुपये उसका हो जाएगा। तो पहले अभी सिर्फ आज 3,000 रुपीज पे करना है, 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग लेना है, हर चीज समझना है। आपको अगर सिस्टम अच्छा लग जाए, सच में ये सिस्टम वर्क हो रहा है, इसका कॉन्फिडेंस आ जाए, तो रिमेनिंग 5,000 रुपीज अगले सैटरडे संडे पे करना है। हेलो। तो टोटल 8,000 रुपीज चार्जेस रहेगा आपको। हेलो, बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। पार्ट 2 सब क्या क्या भेटल? ऑलरेडी ट्रेनिंग का कंटेंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, वो चीज भी बता देता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखो, ये ट्रेनिंग का कंटेंट, मार्केट के बेसिक से लेके इक्विटी कैश का, वहां से लेके आइडेंटिटी, टेक्निकल एनालिसिस क्या, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये हर चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले। ओके सर। अमित सर का कुछ मैसेज था कि कल का कोई कॉल देखने को आपके सॉफ्टवेयर वर्क करता है क्या? सर यहाँ पे कोई ट्रायल देते ही नहीं, लाइफ में कभी दिया नहीं 2011 से। जो लोग आप जो देख रहे हैं ना, देखो क्या होता है ये, इसमें आपकी गलती नहीं है। आज लोग क्या करते हैं कि भाई ये ट्रायल ले ले 2 दिन के बाद, लोगों ने लाखों जगह पे ट्रायल ले लिया, हर जगह पे वर्क नहीं हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मैंने रिलायंस का कल का निकाल के देखा, देख लो आप, रिलायंस का लेवल निकाल के देखा हुआ है, कल जाके मार्केट में देख लेना कैसे वर्क हो रहा है। लेकिन ट्रायल हम कभी देते ही नहीं, ये पहली मेरे पहले 2011 से पहले हमारी पॉलिसी है कि वो ट्रायल या तो ये देख लो, या तो हमारे अकाउंट का प्रॉफिट देख लो। जैसे ट्विटर की दुनिया में जाओ, आपको दिखेगा कि लोग अपना M2M दिखाते, PL दिखाते, अरे उसमें बाद में पता चला कि वो मैनिपुलेट करके दिखा रहे। तो बात वो नहीं सर, हमें ट्रस्ट पे आना पड़ेगा। अगर जेन्यून मेरा प्रोडक्ट रहेगा, सच में वर्क हो रहा है, तो आपको 5 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बोलिए। अच्छा है सर, मैम बहुत अच्छा है, विप्रो तो अच्छा ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं उसमें। कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं उसमें। ओके, तो बात वो है सर कि जो नॉर्मली
देखो ये मार्केट लोगों ने खराब किया, ये मैं एग्री करता हूँ कि हर बंदा बोलता है कि प्रॉफिट आता है प्रॉफिट आता है प्रॉफिट आता है, लेकिन पैसे देने के बाद आता नहीं आता वो समझ में नहीं आता। और वही चीज मैं चाहता हूँ कि वो नहीं करना है पहले समझो। इसलिए मैंने वन टाइम यही चीज को तो ब्रेक करना है कि मैंने वन टाइम चार्जेस बोला ही नहीं है कि आपको पूरे महीने का ट्रेनिंग लेने के बाद भी आगे एक्चुअली मेरा सिस्टम अगर वर्क हो रहा है तो 5-6-7 हज़ार में कौन दे रहा है, कोई नहीं देने वाला। ये चीज वर्थलेस है, इसका वैल्यू हमेशा रहेगा, इसलिए मैंने उसको रिन्यूअल पे रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज ले लो आप आपके घर पे बैठ जाओ, नहीं, मेरा सिस्टम मेरे पास रहेगा, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, इसको लाइफ टाइम मेंबरशिप मतलब आप सिर्फ आपका रिन्यूअल कॉस्टिंग देंगे, आपको इसका सर्विस हमेशा मिलेगा। मतलब आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा कमा रहे हो तो मेरा सिस्टम बंद कर दूंगा, ये आपको हमेशा मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बाकी आप जो सोच रहे हो ना सर, ये आपको शायद मे भी 2-4 जगह पे एक्सपीरियंस खराब आया होगा, लेकिन ये होता है, ये मुझे मैं एग्री करता हूँ, ये मैं मुझे पता है, ये बिजनेस में हूँ तो मुझे समझ में आता है ये चीज़ आपके कंसर्न क्या है। और वही मैं 5 दिन में बिलीव करवा के देना चाहता हूँ कि भाई आप 3,000 रुपीज गया तो गया, सपोज दैट उसमें कुछ नहीं होने वाला है, मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं। अगर शाम को कहीं डिनर के लिए जाते तो उससे ज़्यादा खर्चा है एक दिन का। बात ये है आज के लिए कि हमें क्या करना है कि अगर 5-1 दिन में समझ में नहीं आएगा, 5 दिन क्या होगा कि मंडे को शाम को बैठेंगे आप बोलेंगे उसका ट्रेड निकाल के दूंगा, वापस ट्यूजडे को जाके देख लेना है कि सही हुआ कि नहीं हुआ। ट्यूजडे को शाम को बैठेंगे वेनेसडे का देख लेना है, वेनेसडे को बैठेंगे थर्सडे का देख लेना है, थर्सडे को बैठेंगे फ्राइडे का देख लो। 5 दिन अगर आप बोलेंगे उसका सही हो रहा है, और आप अगर 40 लोग बैठ रहे तो 40 लोग अलग अलग बोलने वाले, तो सबका अगर सही हो रहा है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मराठी मध्ये वेबिनार कधी आहे सर? मराठी मध्ये ऑलरेडी झालेला आहे मॅडम, त्यामुळे काही पुढच्या आठवड्याला वगैरे झाले तर राहिला, पण ऑलरेडी सारखं झालं, काही एवढा मोठा प्रॉब्लेम नाही। अमित सर, मैं एग्री करता हूँ कि आपने आपके साथ वो क्वेश्चन यही होता, यही चीज होता है सर, और इसी को हमने ब्रेक कर दिया, यही मेरा पॉलिसी यही चीज है, इसलिए मैं कभी भी अपीजमेंट नहीं करता, कभी नहीं करता। हाँ, जिनको सीरियस मार्केट के बारे में, जो सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं, जेन्युइनली मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं, वही लोग मुझे कनेक्ट करने, इसलिए अदरवाइज में जो वो चीज भी नहीं थी। सर, ट्रायल से लॉस ही होता है, और इसलिए मैं वो चीज देता नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं आता हमें कि क्या होता है, और वर्क भी हो जाएगा, अगर कोई ट्रेड बराबर भी चला जाएगा तो हम पैसे नहीं कमाते, क्योंकि हम ट्रेड लेते नहीं है, और 2-4 ट्रेड देखते कि अच्छा हो रहा है फिर हम ट्रेड करेंगे, बाद में तब वहां पे लॉस ही हो जाता है। तो वो चीज देखो सर, उसमें मत जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसलिए विन विन सिचुएशन मैंने ऑलवेज बिलीव किया हुआ है, कि अगर मैं आज बोलता आपको कि आज 8,000 पे करेंगे तो लोग जो पे करने वाले आज 8 भी करते, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ही आपका पैसा चाहिए, अदरवाइज उस बंदे का पैसा भी नहीं चाहिए। और ये एक महीने की बात नहीं, ये कंटिन्यूसली हर महीने की बात है हमारी, कि एक महीने में सक्सेस हुआ तो 2 पे करेंगे, अगर हर महीना होगा तो ही बंदा पे करेगा। बोलिए सर, एनुअल चार्ज क्या है? 2,000 रुपीज रिन्यूअल चार्जेस है सर इसका, मंथली है सर, मंथली। एनुअल चार्जेस भी है 16,500, मतलब 2,000 भी नहीं रहेगा, 1,200-1,300 रुपये महीने का आएगा आपका खर्चा। फिर दिनेश सर नमस्कार। बोला सर, बोलिए बोलिए। दिनेश सर नमस्कार। बोलिए सर, बोलिए ना। पेमेंट तर मी केलं आहे, मला जर प्रोसेस पुढची सांगून द्या म्हणजे कसं। हां हां ओके, बघ कसं असेल, आता तुम्ही पेमेंट केलं असेल ना तुम्ही स्क्रीनशॉट शेअर करून टाका, आप स्क्रीनशॉट शेअर कर देंगे ना तो वहां पे आपको एक नंबर मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहां पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ट्रेनिंग कैसे होगा, क्या होगा, और मंडे का ट्रेनिंग का लिंक भी आपको वहां पे आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऑफिस नासिक में सर। सर नाशिक मध्ये कुठे? नाशिक रोड। नाशिक रोड, आम्ही एक लहरेला राहतो। ओके सर, नक्कीच नक्कीच। हॅलो, बोलिए सर। आपको ऑफिस नाशिक रोड में कहाँ है? नाशिक मुक्तिधाम के बाजू में ही सर। अच्छा, जलधारा कॉम्प्लेक्स में है? नहीं सर, वहां से थोड़ा, आप नासिक रोड से हो क्या? हाँ, मैं नासिकपुर से। हाँ, तो ईश्वर के पीछे रहता हूँ। हरिनिवास है ना, हरिनिवास में? हरिनिवास वही पे, काडा का जो बड़ा बिल्डिंग। मुठा हॉस्पिटल के बाजू में। ओके,
अभी विजिटर्स वगैरह अलाउ किया नहीं है कोविड की वजह से, सब हमने स्टॉप करके रखा है, बस इतनी बात है, इसलिए वो ज्यादा हम वापस नहीं, तो मोस्टली पहले हम एड्रेस भी शेयर करते थे, लेकिन क्या होता है कि अभी विजिटर्स बंद ही, मतलब स्टाफ भी पूरा अपने अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, इस हिसाब से हम पूरा वर्किंग कर रहे हैं। सर मैंने आपका ट्रेनिंग अटेंड किया था 2018 में, 18 में किया था, अच्छी बात है, ओके। और वो जो सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर और ये सॉफ्टवेयर अलग है, अपडेट होता रहता है सर अपना, और जो भी अपडेट होता है तो अपडेट सब लोगों को मिलता है। हेलो बोलिए बोलिए। हाँ जुनैद, मार्केट का तो पता चलता है जो जैसे मतलब फ्राइडे का जो होगा उसको देख के कुछ अंदाजा लगा था मंडे को क्या होगा, ठीक है करेक्ट। तो आप जो बोल रहे मतलब 15 दिन के बाद क्या होगा उसके अगर आएगा तो वो कैसे, वो पोजिशनल ट्रेड फाइंडर है सर, उसका सिस्टम अलग है ना, ये इंट्राडे का मैंने दिखाया, वैसे पोजिशनल का भी दो सिस्टम आपको सिखाऊंगा मैं। इंट्राडे पण आहे, पोजिशनल पण आहे, त्याच्या ऑप्शन पण आहे, फ्युचर पण आहे, सगळं सगळं। आणि 2016 मध्ये तुमचा अटेंड केला होता, ओके, सेमिनार, ओके, आणि त्यावेळी जॉईन झालो होतो पण काही कारणाशिवाय करता आलं नाही, पण आय हॅव कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, बरोबर, 2 वर्षापासून करतो। सर के आपका ये ऑप्शन का क्या एग्जांपल दिखाएंगे, ऑप्शन का एग्जांपल दिखाएंगे वो सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे, दिखा सकते हैं क्या वो भी हो जाएगा ना सर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन का काम करने का तरीका हमारा थोड़ा अलग है, ठीक है, मतलब क्या होता है, इससे एग्जांपल अगर निफ्टी ऑप्शन में काम कर रहे हो आप, ठीक है, वीकली एक्सपायरी है फिर या तो मंथली एक्सपायरी, जिसमें भी काम करेंगे, तो अगर स्ट्राइक प्राइस, सबसे ऑप्शन में तकलीफ क्या होती है लोगों को कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का माल लेना है, सही है ना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो पैसे वो पहले पता करना, वो पहले मैं सिखाऊंगा ट्रेनिंग में कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का माल लेना रहता है, कब कॉल लेना है, कब पुट रेन लेना रहता है, वो चीज रहती है, ऐसा होता है। अगर तो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो कोई एक नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमें पहले कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना है वो समझना ज्यादा जरूरी है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है ऑप्शन में। मैं आपको एक मिनट में दिखा देता हूँ वो चीज, अगर ऑप्शन में काम करें, ऐसे मैंने एनएससी ले लिया, ठीक है, और सपोज अगर ये इंडेक्स ऑप्शन ले रहे तो हमें ऑप्शन इंडेक्स ले लिया, हाँ जी, ओके, ये निफ्टी ले रहा हूँ सपोज दैट, करंट जो भी मंथ चल रहा है अभी एक्सपायरी, देखो वीकली एक्सपायरी से लेके अभी ये थर्सडे को एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी उसके अगले कौन सी भी एक्सपायरी में काम कर सकते हो आप, ठीक है, हर वीकली की एक्सपायरी में, जैसे मैं ये करंट एक्सपायरी में काम करना चाहता हूँ तो मैंने वीकली एक्सपायरी ले लिया, अभी मुझे कॉल में काम करना है कि पुट में काम करना, ये कैसे पता चला उसका ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा। अभी सोचो आप कॉल में काम करना चाहते, मैंने कॉल जस्ट ले लिया सपोज, ठीक है, और सपोज आपको लगता है कि 15,750 के कॉल में काम करना है, ठीक है, ये सब 15,700 ले लिया, ओके, और इस हिसाब से 15,700 का मैं कॉल बोल रहा हूँ, ये ले लेंगे और सिर्फ डेट दे देंगे, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर वही प्रोसीजर रहेगा, जैसे मैंने आज का डेट दे दिया और गेट डेटा करा दिया, ओके, तो वही प्रोसेस स्टैंडर्ड रहेगा अपना जो मैंने अभी आपको इक्विटी के लिए दिखाया था, सिर्फ ये यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा एक दो बढ़ जाएगा हमें। अच्छा, ओके, तो डिलीवरी बेस पे काम हो सकता है जरूर सर, पोजिशनल सिस्टम ही पूरा एक सिस्टम ही डिलीवरी के लिए सेपरेट है। तो आपका पेमेंट का लिंक कहाँ पे आएगा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सर यही पे ना, ये मीटिंग जब कनेक्ट करो उसका चैट बॉक्स में ट्रेनिंग का लिंक दिया हुआ है, पेमेंट का लिंक दिया हुआ है ना, चैट बॉक्स पे, हाँ चैट पे क्लिक करो, वहाँ पे पेमेंट का लिंक दिया हुआ है सर, आपको व्हाट्सएप किया है मैंने, ओके, ये बगा सर देखिए, ये इस हिसाब से ये कैलकुलेशन कर दिया, अभी देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, ये बता रहा है कि इसके ऊपर, मतलब इस हिसाब से उसका टारगेट टॉप लॉस हर चीज समझ में आ जाती है हमें, ओके, ये सब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैं आपको सिखा दूंगा, फिर आप ऑप्शन में कर लो, फ्यूचर में कर लो, इक्विटी कैश में कर लो, कमोडिटी मार्केट में कर लो, कहीं पे भी काम कर लो, अल्टीमेटली मार्केट को एनालिसिस कैसे करना वो चीज हमें पहले सीखना है, एक बार वो समझ लेंगे तो फिर बाद में आप हर जगह पे काम कर सकते हैं सर, जिसको इक्विटी में काम करते आएगा उसको फ्यूचर में भी करते आएगा और उसको ऑप्शन में भी करते आएगा, ये मेरे अपना स्थिति में है वो। ओके, जैसे आज मतलब आज अगर 3,000 देते हैं तो उसके बाद क्या आप सॉफ्टवेयर भी दे जाएंगे ना, क्या है कैसे, आप 5 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा, 5 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा, आप पूरा सीख लेंगे, बाद में अगले मंडे से आपको नेक्स्ट वीक में, अच्छा करेक्ट, या तो पहले दो दिन पहले हम पूरा सिखा दे, दो लेक्चर होने के बाद वेनेसडे से किसी को चाहिए तो वो भी हम अलाउ करते, लेकिन वेनेसडे के बाद ही पहले 2 दिन तो सिखा, नहीं तो क्या होता है अभी दे देंगे ना
तो सिर्फ कॉल आता सर ये मैं कहाँ पे क्लिक करूँ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये मुझे दिख नहीं रहा है ये पता, तो उसमें मजा नहीं आते सर। तो दो सेशन होने के बाद भी हम वो अलाउ कर सकते हैं आगे की रिकॉर्डिंग में है ना। रिकॉर्डिंग सर आपने जो बताया था कि देखते हैं अगर 5 दिन में काम करता है तो पैसा बनता है तो रेस्ट लीजिए, वही 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 ना सर। तो वो कैसे मतलब वो रात को बैठेंगे 7 से 9 जैसे हम आज बैठे कि कल रिलायंस में क्या करना निकाला, जैसे अभी आपने बोला कि सर इसका ऑप्शन का बताओ, वैसे 5 दिन में क्या करूंगा आप मुझे बताएंगे, सीखने का प्रोसेस होने के बाद आप बताओ मुझे कौन सा चाहिए, उसका मैं निकाल के आपको बोलूंगा सर कल जाके देखो मार्केट में। अच्छा, तो क्या होता है सर पता है कि जब तक पूरा नॉलेज नहीं है तो हाफ नॉलेज डेंजर रहता है, ठीक है। तो वो चीज अगर पूरा नहीं तो मैं क्या बोलता भाई ये 8,000 रुपए है आप आईडी पासवर्ड लो और आपका चार्जेस आप देखते रहो क्या करो, लेकिन उससे पैसा नहीं आएगा, उसको सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा, इससे पहले 5 दिन का हम ट्रेनिंग दे रहे उसके बाद फिर वो चीज आगे करो। ठीक है बराबर, थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी पेमेंट किया होगा तो स्क्रीनशॉट शेयर किया होगा तो मैं आपको मैसेज कर देता हूं, एक मिनट। विमल सर स्क्रीनशॉट शेयर कर दो आप, आपका स्क्रीनशॉट कहाँ पे शेयर किया आपने, 98 के नंबर पे किया है क्या? आ गया उनका पेमेंट। ओके ठीक है, अपडेट दे दो उनको। सर लाइव सपोर्ट असतो ना, लाइव सपोर्ट असतो सर आपल्याकडे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तीच आहे। आणि रिन्यूअल प्रोसेस कशी आहे? रिन्यूअल पूर्ण महिन्यानंतर, 1 महिना झाल्यानंतर मग रिन्यूअलला तुम्हाला त्या सॉफ्टवेअर मधून तुम्हाला रिन्यूअल करता येईल, किंवा तुम्ही गुगल पे फोन पे वगैरे करू शकता किंवा डायरेक्टली अकाउंटला ट्रान्सफर करू, सगळं डिटेल भेटून जाईल तुम्हाला। हा म्हणजे पूर्ण ट्रेनिंग झाल्यावरती ना, पूर्ण महिना झाल्यानंतर बाकी। टाइम पीरियड ही तुमच्या पुढच्या मंडे पासून पकडले, आता जे 5-7 दिवस काहीच पकडले जाणार तुम्हाला, हे सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट राहतील। हे सेमिनार तुमचं किती वाजता असणार आहे संध्याकाळी? 7 वाजता, 7 ते 9 ट्रेन। ओके सर, थँक्यू वेरी मच। ओके सर, थँक्यू सो मच। नेक्स्ट, जे लोक पण पेमेंट करता है तो स्क्रीनशॉट शेअर करायला विसरू नका फक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लाइव सपोर्ट जो है तो टेलिग्रामला चैटिंगला पण राहील, कॉलवर पण राहील, रिमोट ऍक्सेसला पण राहील, म्हणजे तुमचा पीसी जो तुम्हाला काही वापरता येत नाही काय होता येतं सपोज दैट 1-to-1 तुम्हाला एक्सप्लेन पण केलं जाईल, या पद्धतीने लाइव सपोर्ट राहील, जसं तुम्ही कम्फर्टेबल राहील त्या पद्धतीने राहील।
यस सर, विमल सर सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी रन होगा, मोबाइल पे भी हम पूरा काम कर सकते हैं। कन्हैया लाल जी, आपको एनईएफटी का डिटेल्स मिल गया है क्या? सर आपने हैंड राइज किया, आप मैसेज भेजो या तो बात कर लो ना डायरेक्टली। रोहित सर हैंड राइज करेंगे तो आप, आपको ऑलरेडी मैंने माइक अनम्यूट करने का राइट सबको दे के रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली बात करो। या तो अगर बात करने में तकलीफ, हाँ सर बोलिए ना, बोलिए ना। आवाज तो है? ये तो सर, ये तो बोला। हाँ पाटिल सर बोला, बीपन नाशिक रोड वरनच बोलतोय। ओके सर बोला ना, नाव काय आपलं? रोहित सानप। हा सर बोला बोला बोला। ऑलरेडी मी करतोय, ऍक्च्युअली एंजलचं चॅनल पार्टनर पण आहे। ओके। आणि नाशिक रोडलाच राहिलाय, माझं ऑफिस पण नाशिक रोड मध्येच आहे, पण मला तुम्हाला फेस टू फेस भेटता येईल का सर? आता तरी कुठं कोणाला भेटत नाही कोविडमुळे। कोविड तर बंद झाला साहेब, आता तरी भेटतच नाही सर असं, म्हणजे कसं असं काय माहिती का काय होतं की फक्त गप्पा होतात, सगळ्या गोष्टी वाढतात। ओके म्हणजे आता सगळं ऑल ओव्हर गोष्टी। मला सॉफ्टवेअर विषयी, मला सॉफ्टवेअर परचेस करायचं आहे तुमचं। जी सगळ्यांना, जो सुरतचा व्यक्ती, अहमदाबादचा व्यक्ती, मुंबईचा व्यक्ती, तो कुठं भेटायला येतोय, तर तुम्हाला करायचं तर कनेक्ट करा, लाईक वन टू वन पॉसिबल नाही सर, टाइम नाही मॅनेज होऊ शकत। नाही ठीक आहे ना, मग सॉफ्टवेअर परचेस जर करायचं असेल तर काय प्रोसेस आहे? आता प्रोसेस नाही, ऑनलाईन तुम्हाला पेमेंट करायचं आहे, ट्रेनिंग घ्यायची, त्याच्यानंतर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही भेटू शकता नक्कीच। इन बिटवीन काही प्रॉब्लेम आला तर आपला सपोर्ट स्टाफ आहे, सगळ्या गोष्टी तिथे भेटू शकता नक्कीच, काहीच प्रॉब्लेम। ओके चालेल चालेल, नो इश्यू नो इश्यू, ठीक आहे, पेमेंट करून देतो मी। नक्कीच सर नक्कीच। ओके थँक्यू। जर एखाद्या वेळेस खूपच गरज पडली तर मग भेटू पण लागलं, पण कसा विषय आहे सुरुवातीला लोक काय करत असतात माहिती का, नुसतं जे त्यांचं काहीतरी घेऊन येतात आणि आपला एक दीड तास वाया जातो फक्त, एवढंच मला। नाही नाही एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली राईट राईट परफेक्ट, बस बाकी काही नाही, हरकत नाही हरकत नाही, चालेल नक्की, थँक्यू सो मच। प्रदीप सर, जे हे सॉफ्टवेअर डेव्हलप झाले ते जवळजवळ 2008 मी इंजिनिअरिंग करताना पण याच्यावर मी काम करायला सुरुवात केली होती। मार्केटमध्ये जस नवीन सुरुवात केली तर थोडासा जब मी नया नया स्टार्ट किया मार्केट के बारे में तो पता चला की मार्केट में क्या होता है, किस हिसाब से मार्केट करते, तो थोड़ा सा जैसे जो नॉर्मल हर बंदे को तकलीफ आता वही तकलीफ मुझे भी आ रही थी, और जैसे आप सब लोग कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ रहे ऐसा कि इसका सोल्यूशन मिल जाए, वो सोल्यूशन मैंने भी ढूंढने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर मैं जो प्रोग्रामिंग नॉलेज जो मेरे पास था मार्केट का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो वो नॉलेज का यूज करके, जो मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो साइंस का कुछ यूज कर, जो फिजिक्स में हमने जो पढ़ाई की करके रखा था, जो मैथ में पढ़ाई करके रखा था, ये सबका कुछ फॉर्मूलाज मैंने निकाला और इसको कहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनपुट आ रहा है हमारे पास, इसको मैं ये फॉर्मेट में लगाऊंगा तो क्या वो बताएगा मुझे। क्योंकि देखो हम जो मैथ सीखते हैं, जो फिजिक्स सीखते हैं, सिर्फ सीखने के लिए नहीं सीखते ना, उसका एप्लीकेशन रहता है, तो वो एप्लीकेशन मैंने ये स्टॉक मार्केट में करने की कोशिश किया सर। और ट्रेनिंग में तो और थोड़ा सा और थोड़ा ज्यादा डिटेल भी बता दूंगा चाहिए तो, लेकिन इस हिसाब से मतलब इसका मेन लॉजिक ये था मेरे लिए कि मार्केट कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पहले वो पता चल जाए फिर ट्रेड कैसे लेना वो बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पता है कि सपोज दैट एक कोई पर्टिकुलर कंपनी वो ऊपर जाने वाला है, बढ़ने वाला है, तो फिर ट्रेड लेना कोई बड़ी बात नहीं ना। अल्टीमेटली मार्केट में यही तो चीज पता करना है कि उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वो समझ में आता है तो 90% काम खत्म हो जाता है हमारा। रविंद्र सर, फीस आपको 3000 रुपीज अभी पे करना है, रिमेनिंग 5000 रुपीज पूरा ट्रेनिंग होने के बाद।
थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो मच। और 10 मिनट में यहाँ पे हूँ, अगर किसी को पूछना है तो लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास, पूछ सकते हो आप। लगभग आधा घंटा हो गया लेकिन 10 मिनट्स में आपको एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर कुछ भी डाउट रहेगा जो भी है बोल सकते हो, बात कर सकते हो। गिरीश सर आपने भी हैंड राइज करके रखा हुआ है, अगर कुछ बात करना तो डायरेक्टली आप बात कर लो। हेलो पाटिल सर। बोला सर, बोलिए। जो 98 सर जो नंबर आहे, हां हां, हा ॲडमिनचा नंबर आहे ना? हां ते ॲडमिनचा नंबर, बरोबर। ओके, स्क्रीनशॉट ह्याला करायचं ना? ह्याला करू नका, हो बरोबर, परफेक्ट। ओके सर, थँक्यू। अगर कोई क्वेश्चन मिस हुआ होगा तो प्लीज एक बार वापस, किसी को लगता है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो वापस एक बार भेज देना। कभी कभी दो तीन क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं तो वो में भी ऊपर चला जाता है। श्रद्धा मोटर कैसे है? श्रद्धा मोटर सर वो हम मुझे देखना पड़ेगा क्या है कि जो भी है, लेकिन अच्छा है, कंपनी तो अच्छा है थोड़ा बहुत। लेकिन आप किसके लिए, कितना टाइम के लिए देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो भी हमें समझना पड़ेगा उसके लिए। तो वो आप बता दो, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, देखो यहाँ तक ये भी हम ये भी करते हैं कि सपोज जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो कुछ है तो उसमें क्या करना है, कौन सा रखना है, कौन सा बेचना है, वो हर चीज पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। श्रद्धा मोटर अच्छा है। हाँ जी, बात ठीक है। हेलो, ये लोगों ने आज अलग एक फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन, એટલે મે જે ઓલા આખા ઇન્ડિયાના 500 થી 600 જણા હોય ને, એ જણા જોઈન થયા, बोला हेलो अरे हाँ सर्टिफिकेट लागे ना अगर आप कहीं बाहर बात कर रहे हैं तो माइक म्यूट रखेंगे प्लीज।
बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। दिनेश बनकर बोलते हैं। बोला सर, बोला। सर आपल्या म्हणजे सॉफ्टवेअरच्या म्हणजे याच्या मेन तर इम्पॉर्टंट येते की बाबा सॉफ्टवेअर डिपेंडेबल आहे जास्त करून आपल्या सिस्टम वर अनुसार तुम्हाला अनालिसिस करायचे हे बरोबर आहे। ओके, आपण आपल्या ऍक्युरेसी किती असेल म्हणजे त्याचं परफेक्शन किती असेल? 85-90% ऍक्युरेसी राहील सर। आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी राहील की हम जो भी सपोज रिस्क ले रहे, सपोज से एग्जांपल अभी हैप्पीएस्ट माइंड का जो कल की मूवमेंट हुआ है तो सबको पता है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लगभग हमने 340 को उसको खरीदा था और उस टाइम 30 रुपए का रिस्क था, ठीक है? और वही ट्रेड, वही एक ही ट्रेड सर अभी तक हमने रखा हुआ है और सभी एक जगह पे नहीं है। ये टाटा मोटर में भी हमने किया हुआ है, एसबीआई में हमने किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक में किया है, एचडीएफसी बैंक में किया है, रिलायंस में किया हुआ है, और कोई दूसरा जैसे एसबीआई कार्ड सब जब लॉन्च हुआ तो 750 में लॉन्च हुआ और थोड़ा नीचे गया 550, तो नीचे का लोगों को नीचे क्या करा, कुछ नहीं है वापिस। तो वहां पे जब हमारा ट्रेड बना हुआ है सब 600-610 को ट्रेड बना हुआ है, अभी वो 1100 समथिंग तक गया था, वापस अभी 800-980 समथिंग चल रहा है, तो वो ट्रेड कंटिन्यू करना है, तो वो ट्रेड कैसे, वो चीज भी इसी में हो जाता है। तो अगर आप इंट्राडे में भी आप बात करेंगे तो इंट्राडे में तो पैसा बनेगा ही बनेगा, लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बनेगा। और मिनिमम मतलब अगर हम बात करेंगे तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करते, लॉन्ग टर्म मतलब लोगों को लगता है 10 साल 5 साल, मैं इतनी भी नहीं बात करता, मैं बोलता हूँ पूरे हर साल की बात करते, तो एवरी ईयर अपना कैपिटल डबल हो सकता है सर मिनिमम। बोला हेलो, अजय सर तुमचा पॉइंट नाही कळला, पुढे काय म्हणायचं, पुढे कंटिन्यू करा। हॅलो, सर एक जे ट्रेड आहे हे क्रेडिट कार्ड थ्रू पण बाय करता येतात का? हो, क्रेडिट कार्ड थ्रू काय 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 ट्रेड जे आहेत ते क्रेडिट कार्ड थ्रू पण बाय करता येतात का? हे ट्रेनिंग ची बोलतात ना तुम्ही? नाही नाही, ट्रेनिंग नाही, हे जे शेअर्स जे जे आपण जे परचेस करतो तर हे क्रेडिट कार्ड थ्रू करतो? नाही हो सर, क्रेडिट कार्ड ने शेअर्स परचेस करायला लागले तर कसं व्हायचं? तुम्ही दुसऱ्या फंड पद्धतीने करू शकता पण क्रेडिट कार्ड ने शेअर्स परचेस नाही करता येत। हॅलो, क्रेडिट कार्ड ने तुम्ही ट्रान्सफर कसे करणार तुमच्या डीमॅट अकाउंटला? सर आंसर क्लियर झालं ना, क्वेश्चन क्लियर झालं तुम्हाला? हॅलो सर, बोला सर। ऍक्च्युअली आता उद्यापासून मीटिंग चालू, उद्यापासून मीटिंग चालू होईल, बरोबर? हा ट्रेनिंग म्हणजे उद्यापासून ट्रेनिंग चालू होईल, तर मला ऍक्च्युअली हे विचारत होतं की इन द सेन्स एका दिवशी आपण अवेलेबल नसतो तर ते जे काय व्हिडिओ आहे किंवा लिंक प्रति आपल्याला अवेलेबल असेल का त्याच दिवशी? लगेच होईल सर, ट्रेनिंग संपल्यानंतर 9 ट्रेनिंग संपल्यानंतर 9:30 तुम्हाला सगळ्यांना भेटेल ती, म्हणजे तुम्ही आहेत तरी पण नाही राहिले तरी त्या ग्रुपवर टाकलं जाईल लगेच। अच्छा, त्या ग्रुपवर भेटून जाईल म्हणजे समजा आपण नाही ते भेटेल। ठीक आहे, थँक्यू। नेक्स्ट।
सर ट्रेनिंग मराठी मध्ये पण असते आणि हिंदी मध्ये पण असते, डिपेंड करतं की एखाद्या दोन लोक जर कोणी असं राहिलं की ज्यांना मराठी कळत नसेल तर मग आपण हिंदी मध्ये घेऊया, अदरवाईज मराठी मध्ये असतं ट्रेनिंग. आणि सेपरेट मराठी बॅच पण असतात आपल्याकडे कधी, ते आपण तुम्हाला परत सपोज ये ट्रेनिंग अगर हिंदी में भी रहेगा और बाद में अगर किसी को मराठी बैच अटेंड करना है तो वो रहेगा, तब भी आप लाइफ टाइम मेंबरशिप तो आप अटेंड कर ही सकते बाद में वापस. हाँ सर आराम से मिलेगा, अगर 7 to 9 फ्री नहीं कोई एक दिन है दो दिन है नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. रिकॉर्डिंग सीखने के सुनने के बाद कुछ डाउट रहेगा तो वापस आपको एक बंदा एक सपोर्ट टीम में से कोई बंदा मिल जाएगा जो आपका क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर करने के लिए अगले दिन अवेलेबल रहेगा. ओके पेमेंट हो गया सर आपका? ओके ओके ठीक है. ठीक है सर, आई थिंक सो किसी को कुछ डाउट नहीं बचा हो रहेगा. ये मीटिंग और 1 बजे तक चलेगा, मतलब जो भी पेमेंट करेंगे तो 1 बजे से पहले पहले पेमेंट करेंगे तो उनको डिस्काउंट वैलिड रहेगा. और किसी को कुछ डाउट आता है तो मैं वापस आ जाऊंगा, अभी मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. 1 बजे से पहले पहले सब पेमेंट कर देंगे जिनको भी करना है.